इज दिस प्लस वन की अगर आप बात करो तो पहले होगा मैथ्स, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, आपको लेक्चर प्लान मिला क्या फिजिक्स का? नहीं. फिर चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर एंड सो ऑन टिल 10 चैप्टर्स, 11, 12. मैथमेटिकल टूल्स में तीन चार पार्ट हैं. वन इज फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, देन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आगे वेक्टर्स. ये पांच पार्ट हैं जो आप टेकअप करोगे अगले अराउंड 3 to 4 weeks. इसके बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. फर्स्ट सेकेंड इज लिंक टू फर्स्ट, थर्ड इज लिंक टू सेकेंड एंड सो ऑन. दिस कंटिन्यूज टिल 10th. फर्स्ट समझ आएगा तो सेकेंड समझ आएगा, सेकेंड समझ आएगा तो थर्ड, ऐसा चलता रहेगा अप टू 10th चैप्टर. 11th और 12th आर इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, वो अलग से दो चैप्टर है. तब तक आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा, तो ये भी समझ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़े टफ है. फर्स्ट बहुत आसान है. फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब आपने किया हुआ है. जितना आपको आता है वो ऑलमोस्ट गलत है, एक दो चीजें हैं जो ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब पढ़ेंगे आगे. ठीक है, अभी आज आप फंक्शंस पढ़ोगे और ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ोगे थोड़ी सी. फंक्शन थोड़ा सा ही है, बहुत कम है. मैं ये सब पता होना जरूरी है. साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ये आपको पता है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस बेसिक, इज दैट फाइन? ठीक है. डीपीपी की अभी जरूरत नहीं है, अभी नहीं दूंगा मैं कुछ, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आती इतना काम आप क्लास में ही करोगे. आई डोंट वांट टू बर्डन यू स्ट्रेट अवे. धीरे धीरे आपके पास काम फिजिक्स में सबसे ज्यादा आ जाएगा एंड धीरे धीरे फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. दिस विल बी अराउंड 1.5 मंथ्स अवे फ्रॉम नाउ. आप ये बात फील करोगे, केमिस्ट्री में बहुत बहुत आपको याद रखना पड़ेगा और मैथ्स में इट इज गोइंग टू गेट टफ. मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स 120/160 होते हैं. हमारे ईयर तो ऐसा ही था, हाईएस्ट मतलब ऑल इंडिया हाईएस्ट 120/160 जेई एडवांस में. फिजिक्स में होते हैं यही अराउंड 148, जितने मेरे थे 148/149/159 या 168 की बात है. 148/149 मतलब काफी क्लोज है फुल मार्क्स के, 10-12 नंबर कम होंगे फुल से. केमिस्ट्री में तो 155/160 और 160/160 भी होते हैं. तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज फिजिक्स, दिस इज मैथ्स. आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटी जेई एडवांस. मैथ्स इज लीस्ट स्कोरिंग, आपका स्कोर भी सबसे कम मैथ्स में ही होगा, एडवांस में, मेन में हो सकता है ज्यादा हो. फिजिक्स इज सेकंड मोर स्कोरिंग एंड केमिस्ट्री इज वेरी मच स्कोरिंग. इफ योर मेमोरी इज वेरी गुड यू डेफिनेटली हैव अ वेरी वेरी नाइस एज ओवर एवरीबडी, बट ओनली इन केमिस्ट्री. रेस्ट ऑफ द टू विल नॉट बी गुड. What I have seen in some past previous years, जिस बच्चे की मेमोरी ज्यादा तेज होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं होता है. या तो ये दोनों अच्छे हो सकते हैं, बहुत ये खराब हो सकता है, या ये बहुत अच्छा हो सकता है और ये दोनों खराब हो सकते हैं. कोई कोई एक्सेप्शन होता है जिसके तीनों अच्छे होते हैं, बहुत कम. एनीवेज, तो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. फंक्शन आज हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें आप ही सब बता दोगे. ट्रिग्नोमेट्री में भी मोर ऑर लेस आप ही बताओगे, साइन थीटा कॉस थीटा में आई एम गोइंग टू डील, लेकिन कुछ नई चीजें भी होंगी जो मैं बताऊंगा, दैट इज ऑल. उसके बाद यू कैन गो. एक दो क्लासेस के बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, दैट विल बी कैलकुलस. दीज थ्री आर कैलकुलस. ये मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मुझे चाहिए. ये तीन टॉपिक्स पढ़कर ये मत समझने लग जाना कि कैलकुलस आ गया हमको. मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर स्कूल में जाते हैं, टीचर को बोलते हैं पूछो क्या पूछना है, हमें कैलकुलस आता है. ऐसा मत करना, नेवर नेवर मिस विद द स्कूल टीचर, नेवर. वो जो भी बोले हाँ बोल के आ जाएगा, फाइन. फंक्शंस, कहीं भी आपको कुछ ना समझ आए तो आप पूछ लेना बीच में रोक के, क्योंकि आगे फिर नहीं समझ आएगा उसके बाद. डू नॉट हेजिटेट, आई एम नॉट गोइंग टू बीट यू, नोबडी कैन बीट यू नाउडेज. फंक्शंस में सबसे पहले तो लिखो मैथमेटिक्स इज टूल, मैथमेटिक्स इज अ टूल ऑफ, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स.
मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सम टूल्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सम टूल्स बिफोर स्टार्टिंग कॉम्पिटिटिव फिजिक्स. बिफोर स्टार्टिंग कॉम्पिटिटिव फिजिक्स आगे एडिंग डाल दो फंक्शंस. फंक्शंस में अगर आपने फंक्शंस के बीच में ही लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरो मत. व्हाट इज अ फंक्शन? कभी सुना है ऐसा या नहीं सुना? फंक्शन मतलब एनुअल फंक्शन नहीं. व्हाट इज अ फंक्शन? मैरिज. देन व्हाट इज अ फंक्शन? एग्जांपल. Position is what? Dependent upon time. How is position related to time? With change in time, there is a change in position. मतलब आप x equal to vt बोल रहे हो. X is position, v is velocity, t is time. All that is a vector equation. But fine. अभी आपको vectors नहीं आते तो ये मैं मान लेता हूँ. It is fine. Function is a relationship between two things. Can it be a relationship between more than two things? जैसे इन्होंने बोला कि x इज पोजिशन, दिस इज पोजिशन. तो इफ somebody इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड देन हिज पोजिशन इज चेंजिंग. इज दैट फाइन? तो इफ somebody इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड हिज पोजिशन इज चेंजिंग एट सम टाइम ही इज हेयर, आफ्टर सम टाइम ही इज देयर, आफ्टर सम मोर टाइम ही इज सम एट सम प्लेस एल्स. सो विद टाइम द पोजिशन इज चेंजिंग. सो पोजिशन इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम. Is this fine? So we say that position is a function of time. If something is dependent on some other thing, then that thing is called a function of the other thing. इसकी मैं proper definition आपको लिखवा दूंगा. और कोई example दो. एक चीज दो चीजों का भी variable हो सकती है, दो चीजों का भी function हो सकती है. कैसे? अगर आपने बोला the position is changing with time, so the position depends upon time. मैंने बोला कि पोजीशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. इफ द मैन इज मूविंग फास्ट हिज पोजीशन चेंजेस फास्टली. इफ ही इज मूविंग स्लोअर द पोजीशन चेंजेस स्लोअर. सो द चेंज ऑफ पोजीशन और द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी. सो द पोजीशन इज आल्सो समवॉट रिलेटेड टू वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी दैट मीन्स द मैन इज एट रेस्ट, दैट मीन्स द पोजीशन डज नॉट चेंज. Is that fine? So position is dependent on velocity also and time also. Or koi function batao. You don't have to mathematically define everything. This is not a math class. Aap sirf kuch bhi variation bata sakte ho, kuch bhi. Aapko kaise vary karta hai wo nahi bhi batao to bhi chalega. For example, chalo itna to clear hai ki agar aap kuch function define kar rahe ho तो दो चीजें होनी चाहिए, कम से कम दो तो होनी चाहिए. एक जो दूसरी पे डिपेंड कर रही हो. इज दैट फाइन? यू विल नेसेसरीली टॉक अबाउट टू थिंग्स. वन विच इज इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल टाइम. टाइम तो चल ही रहा है, आप कुछ भी करो ना करो. इज दैट फाइन? टाइम इज मूविंग ऑन, टाइम इज इंडिपेंडेंट. सेकेंड पोजिशन जो आपने बोला, पोजिशन इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम. सो इन अ फंक्शन यू नेसेसरीली टॉक अबाउट टू थिंग्स. One which is independent and second which is dependent on the independent thing. Is that fine? Itna clear hai. Kuch aur example do. Nahin, aur koi example nahin. See, in physics, jaise aapne bola ki position is dependent on time, it is fine. It is a mathematical kind of example. There are subjective, there are two ways of defining things. One is qualitative thing, another is quantitative. क्वांटिटेटिव मतलब आपने वैल्यू असाइन कर दी. मैंने बोला कि चलो आप, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड. कंसिडर एन एग्जाम्पल, इट इज नॉट रिलेटेड टू अ फंक्शन बट स्टिल, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड विद योर फ्रेंड. अ बस गोज
from the road. You say that the bus is moving very fast. Fine. Your friend says no, it is not moving very fast. So defining that a thing is fast or slow is a subjective issue. You might feel it is fast, your friend might not feel it is fast. According to you, it is fast. According to your friend, it is not that fast. So it is a subjective issue. This is called a qualitative definition. Qualitative. आपने quantity assign नहीं किए. अगर आप ऐसे बोलोगे कि the bus is moving fast, your friend might not agree. So there is nothing we do about it. You can't fight with him. But if you say that the bus is moving at 100 km per hour, so your friend cannot say no. Because if the bus is moving at 100 km per hour, it is actually moving with 100 km per hour. This is called quantitative definition. You are assigning a number to it. A measurable number. Is that fine? तो आप दो तरह से हर चीज define कर सकते हो. एक होती है qualitative definition. Qualitative मतलब you feel that way. Is it fine? Suppose you hear a sound, you say that the sound is very shrill. So the other guy might not feel that. You say that this guy is very happy. The other guy might feel that this guy is sad. So if you define anything in a qualitative term, you cannot impose that on the other person. Ab yahan pe jaise aapne bola position changes with time. Fine. How does it change? It does not matter. If position changes with time, then time is what? Independent. And position is dependent on time. How it is dependent, that I am not asking. टाइम बढ़ने से पोजीशन कम होती है, ज्यादा होती है, क्या होता है वो मुझे उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूं कि पोजीशन चेंज होती है टाइम पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है. हो सकता है कांस्टेंट भी हो. इफ यू आर नॉट मूविंग यू आर स्टैंडिंग एट अ प्लेस, तो टाइम के साथ कांस्टेंट है पोजीशन, वहीं खड़े हो आप. इज इट फाइन? ठीक है. और कुछ फंक्शन बताओ. एक तो आपने एग्जाम्पल दे दिया, ये आपने एग्जाम्पल दिया, और फंक्शन बताओ. Suppose you are selected on in JE if you study. So your selection in JE is dependent on studying. Studying is independent. You may study, you may not study. It is your wish. But your selection is dependent. So there are necessarily two things. दो चीजों की तो आपको बात करनी ही पड़ेगी. एक जो independent है, दूसरी जो उस पर डिपेंडेंट है. तो ये लिख दो. अ फंक्शन इज अ रूल और रिलेशनशिप. अ फंक्शन इज अ रूल और रिलेशनशिप. अ फंक्शन इज अ रूल और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इट इज अ रूल और रिलेशनशिप between two variables. This is called between, B by W. ये मैं ऐसे ही लिखूंगा, आपको समझना पड़ेगा. Between two variables. Such that one of them is a dependent variable. One of them is a dependent variable and the other is what? Independent variable. You know what is a variable? What is variable? What is constant? What is constant? Huh? Fixed value. Okay. And variable? Not keeps on, might change. ठीक है. तो दो variables की आपको बात करनी पड़ेगी. Such that one is dependent and another is independent. इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए how does it vary. जैसे आपने बोला कि position is dependent on time. This is not a function. This is a qualitative definition. You are saying the position is dependent on time. But how it is dependent on time, you should have that equation. जैसे यहां पे लिखा है x इक्वल टू vt. दिस इज अ फंक्शन. अब आपने बोला कि जैसे
एग्जाम्पल आपने दिया, आपने बोला द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इज दैट फाइन? अभी तक यह फंक्शन नहीं था, although you have defined that there is independent variable which is what? Radius. And there is a dependent variable which is volume. Volume depends on radius. But till the time you don't have a relation or a rule that how volume is dependent upon radius, until then you do not have a function. After you have a rule, you have a function. So aapne bola function kya ho gaya? V is equal to 4 by 3 pi r cube. Is this fine? For a sphere. ये सब तो आपको पता है, फाइन. सो दिस थिंग इज कॉल्ड अ फंक्शन. इसमें वी इज व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड आर इज व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इज दिस फाइन? इफ यू वांट द पेस टू बी मोर और लेस, मोर तो नहीं लेस, तो यू कैन टेल मी. See, this all this is stretchable actually. Teaching calculus from this low level is not a one day job. Calculus, the guy who invented calculus said that you cannot learn calculus before 18 years of age. But you appear for competitive examinations when you are 17, right? 17 plus 2 mein. Or when you start studying, you are what? 15? 15 or 16 ke beech mein ho gaya aap log abhi. Theek hai. तो ध्यान देना तो समझ आ जाएगा, यहां से स्टार्ट करोगे तो समझ आ जाएगा. कहीं भी लूज मत होना, यू शुड बी ऑन द सेम पेज एज मी, फाइन. तो आपने बोला इन अ फंक्शन तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक रिलेशन. रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, तब उसके बाद यू कैन से दैट यू हैव अ फंक्शन. सो इट इज अ रूल और रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, फाइन. और एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो तो लिख दो एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एलिवेशन. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एलिवेशन. एलिवेशन मीन्स व्हाट? हाइट, ऑल्टीट्यूड. How does it depend on elevation? Boiling point at sea level of water is what? Pure water. 100 degree Celsius at sea level. If you go at a hilltop 500 meters up from the sea level, then it will decrease. Decrease means what? 98 or 102? जल्दी बॉयल हो जाएगा वाटर. इसका रीजन क्या है? प्रेशर. एंड इफ यू गो बिलो द सी लेवल देन इट विल बिकम हायर, 102 हो जाएगा. इज दिस फाइन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अगर आपके पास वाटर सी लेवल पे है, मतलब ग्राउंड पे है एट सी लेवल, एंड द वाटर इज परफेक्टली प्योर, देर आर नो इम्प्योरिटीज, सो द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, यू नो दैट. बट इफ यू टेक दैट वाटर at some height up from the sea level, the boiling point of the water decreases. Means what? Kam temperature bhi boil hona start ho jayega, matlab 98 ho jayega, 99 ho jayega, 100 se kam ho jayega. Is this fine? English mein galti mat karna, uska koi hal nahi. Maths I am going to teach you, physics uske baad start hogi, but English part you have to take care by yourself. For example, अभी जेई मेन में अभी एक हफ्ता पहले एक क्वेश्चन आया, उसमें ऐसे लिखा था, अ गाय स्टैंडिंग, हैव यू सीन देयर इज अ येलो लाइन ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, येलो लाइन, और ऐसे उस पर कहीं कहीं बोर्ड लगे होते हैं और अनाउंसमेंट भी कर होते हैं कि येलो लाइन से आगे मत जाना, एंड दैट येलो लाइन इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द ट्रैक. ट्रैक यहाँ होगा, उसके बहुत दूर है, येलो लाइन होगी अराउंड 2 feet अवे फ्रॉम द ट्रैक, और उससे आगे नहीं आपको जाने देंगे. अगर आप यहाँ खड़े हो, you are not going to jump in front of the train in any case. अगर आप यहाँ खड़े हो और ट्रेन आ रही है तो लोग आपको ऐसे पकड़ के पीछे खींच लेंगे, अगर आपको किसी ने देख लिया तो. ऐसा क्यों? You are still 2 feet away from the train.
देयर इज अ रीजन फॉर दिस. ऐसे ये मतलब रैंडमली नहीं बनाई हुई है कि अगर उन्हें उन्हें लगे आप ज्यादा पास हो जाओगे, ऐसा नहीं. देयर इज साइंटिफिक रीजन फॉर दिस. फाइन, इस पे बात करेंगे. यू आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टू द ट्रेन. इफ ट्रेन मूव्स वेरी फास्ट, यू आर अट्रैक्टेड टू इट. ये तो आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया? सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जो आपने पक्का देखा होगा. अभी आप बोलोगे हाँ देख, आप ऐसे रोड पे खड़े हो, ये रोड है, आप यहाँ खड़े हो, यानी मतलब थोड़ा साइड पे खड़े हो. यहाँ पे एक लेज का पैकेट पड़ा हुआ था, आप जा रहे थे ऐसे सड़क पे, एंड देयर इज अ कार लाइक दिस विच मूव पास्ट लाइक दिस वेरी फास्ट, एंड दिस पैकेट फ्लोज इनसाइड. ये तो आपने देखा, ऑल द डर्ट एट द साइड ऑफ द रोड एंड ऑल दोज पैकेट्स कम एंड सेटल डाउन इन द मिडल. Then that guy again sweeps and takes it back. Then again a speeding car pass, and then all this is flown down inside. All these particles are actually attracted inside. The same way you can be attracted to a fast moving train. Because compared to the mass of the train, your mass is negligible. So you can also be attracted inside. So aise agar bahut tez kuch object chal raha hota hai, uske aas paas nahi khade hote hain. Aur runway ke bahut dur tak kuch nahi hota hai. If you talk about airplanes. Anyways, तो क्वेश्चन ये था, इंग्लिश में इंग्लिश की गलती में आपको बता रहा था. अगर ट्रेन ऐसे मूव कर रही है ट्रैक पे, क्वेश्चन था दैट अ ट्रेन मूव्स पास्ट द गाय, व्हाट डज इट मीन दैट बिफोर व्हेन ही वाज वाचिंग द ट्रेन वाज कमिंग टुवर्ड्स द गाय, आफ्टर सम टाइम द ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम द गाय. ये इंग्लिश में प्रॉब्लम है यहां. अब इसको कैलकुलेट करके, जो पूछा था कैलकुलेट द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे और ये अकाउंट में लोगे कि ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स द गाय, तो आंसर आएगा 6%. अगर ये अकाउंट में लोगे कि ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम द गाय, तो आंसर आएगा 6%. लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, व्हेन द ट्रेन मूव्स पास्ट द गाय. पास्ट द गाय मींस व्हाट? अर्लियर इट वॉज कमिंग टुवर्ड्स द गाय, देन इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द गाय. दिस इज द इंग्लिश पार्ट, दिस यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड. अब ये वहां पे कैसी इंग्लिश आ जाए आपको क्या पता. इज दैट फाइन? कीप योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग. कॉम्प्रिहेंडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. उसके आगे अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, तो मैथ्स मैं सिखा दूंगा, उसके आगे फिजिक्स भी मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप यहां वहां पे सोचिए लोगे कि ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स द गाय और आंसर 6% मार्क कराओगे, तो फिर वो गलत है. इफ द आंसर इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग. यू कैन नॉट आर्ग्यू कि मुझे आप पता तो था कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन आधा समझ आया, तो इसमें अब यू कैन नॉट आर्ग्यू देयर. तो एक्चुअली उन्होंने आने का भी नहीं पूछा था, जाने का भी नहीं पूछा था, उन्होंने दोनों का पूछा था. दोनों का पूछा था, तो आंसर 12 हो गया. किसी ने अगर ये सोच लिया कि पास्ट द गाय मतलब दूर जा रही होगी तो 6% होगा, टुवर्ड्स द गाय मतलब पास आ रही होगी तब भी 6% होगा, तो सबने 6% मार्क कर दिया उसका आंसर. देयर आर वेरी लेस पीपल हियर. अभी ये एक हफ्ता पहले क्वेश्चन आया, और 5 मार्क्स का नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान होता है. 4 नंबर पॉजिटिव और 1 नंबर नेगेटिव. 5 मार्क्स का नुकसान में आपको एक, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि 1 मार्क के अगेंस्ट 125 to 200 लोग होते हैं. इफ यू लूज 5 मार्क्स, यू लूज 1000 रैंक्स, 1000. और ऐसे 2-3 बार आपने अगर किया तो बाहर, यू लूज ऑल द रैंक्स. एनीवेज, बहुत ध्यान से पेपर करना होता है, डरने की जरूरत नहीं, कर लोगे ध्यान से. इतने तो पेपर दे चुके होंगे आप तब तक, पेपर देने का आपको पूरा एक्सपीरियंस होगा. इन एनी केस, तो बॉलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द एलिवेशन, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन रेडियस. सो जनरली मैं ये बोल रहा हूं, जनरली इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स. एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ऑलवेज नहीं. अब जैसे यहां पर क्या था, आर था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वी था क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल. किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वेरिएबल को, लेकिन जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट, वाई. एंड द फंक्शंस विच यू आर राइटिंग सिंस टाइम इन मेमोरियल, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पैराबोला की तो आपने नहीं लिखी होगी अभी. स्ट्रेट लाइन की तो पता है, y = mx + c इज व्हाट, अ फंक्शन. C is a constant. X is what? Y is equal to mx + c में
x is what? Independent. C is constant. M is also what? Constant. Y is what? Dependent variable. So you can define n number of functions. आप बहुत सारे function define कर सकते हो, लेकिन इस line को, इस equation को function बोलते हैं. इतने इतने में तो कोई problem नहीं होनी चाहिए. Is this fine? अब देखो आगे. I'll keep it low for a few classes. अब देखो, मान लो आपने बोला एक function हमने consider किया y equal to what? X square. Y equal to x square आपने consider किया. इसमें अगर आप x और y की values लोगे तो क्या लोगे? x को 1 लोगे तो y क्या आएगा? 1. x को minus 1 लोगे तो y क्या आएगा? 1, 2, 4, 3, 9. Fine. y equal to x square is a function. y equal to x cube is also a function. These are called even and odd functions. ये सब आपने सुना या नहीं? मेरे को जरूरत नहीं है, वैसे मैं just पूछ रहा हूँ. Even function, odd function. नहीं. Doesn't matter. Doesn't matter. y equal to sin x. This is also a function. इसमें independent variable is x, dependent variable is y. ये सारे functions हैं. ये sin x का क्या मतलब होता है? What is sin x? Sin is a function of x. Sin is not a function of x. Sin is a function. अगर ऐसा कहीं लिखा हो y is equal to sin x. इसमें x is what? Independent. y is dependent and sin is called a function. Is that fine? Sin is a function. It is not sin multiplied by x. ये sin multiplied by x नहीं है, ये sin of x है. Of भी वो बॉड मास वाला of नहीं. You remember बॉड मास? ये सब तो पढ़ा होगा आपने. वो वाला of नहीं है ये. This is not multiplication. It is sin of x. Sin of x. Actually, it is kind of a wrapper. Wrapper kind of thing. देखो, wrapper अगर आप coding में जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा wrapper क्या होता है. पर anyways, यहाँ देखो. Suppose you have a machine like this. ऐसे केसेस में, इससे पहले ये देखो, ऐसे केसेस में आप ये बोलते हो कि देखो, x is independent, you have a function and y is dependent. अब इसमें आप बोलते हो कि y is dependent upon x और y is a function of x. y is a function of x, ऐसा बोलते हैं. y is a function of x, meaning what? That if you vary x, y will also vary. How it will vary? According to some rule. Is that fine? तो मैंने बोला y is a function of x, इसकी short form होती है ऐसे fx. इसको fx भी बोलते हैं, f of x भी बोलते हैं, function of x भी बोलते हैं. Is this fine? अगर आपको ऐसा बोले y is f of x, that means y is a function of x. y is f of x. And अब यहां पे इन सब केसेस में आप क्या लिख दोगे कि f of x is equal, मतलब y is f of x is equal to x square. तो अगर कहीं सिर्फ ऐसा दिया हो f of x is x cube, that means what? y is equal to x cube. Is that fine? f of x meaning y. तो अभी तक आप आपके कोर्स में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में और आप बच गए. मल्टी वेरिएबल कैलकुलस इज हॉरिबल. मल्टी वेरिएबल मतलब एक फंक्शन एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, आपके लेवल पे दो चीजों पे नहीं करेगा. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होगा. इज दैट फाइन? मतलब यहां पे ऐसा नहीं होगा कि y = x² + z², आप x भी इंडिपेंडेंट, z भी इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट. ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं, उनकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं. अभी पहले मैं फंक्शन बनाऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री बनाऊंगा, फिर उन्हीं इन्हीं चीजों पे डिफरेंशिएशन होगी. Integration of it. Differentiation does not mean to differentiate. It is something different. अभी तक आपको जो operators बताएं, addition, subtraction, multiplication, division, ये सब आपको बताएं, match में करते हो. Multiply, divide, subtract, add. इसके अलावा दो और हो जाएंगे, differentiate and integrate. तो छह हो जाएंगे टोटल. Is that fine? Division operation, which I am going to teach you, which you don't know right. पर अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा है कि y = x square, तो इसमें y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है,
और वाई की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख देते हैं, तो अगर कहीं एफ ऑफ एक्स लिखा हो तो मतलब वो वाई ही है, तो वाई को ओमिट कर देते हैं। इससे आपको समझ ही आएगा कि देयर इज सम वेरिएबल व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एज एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे लिखा होगा एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो आपको समझ ही आ जाएगा कि देयर इज सम वेरिएबल व्हिच डिपेंड्स अपॉन एक्स एज एक्स स्क्वायर, दैट वेरिएबल इज वाई जनरली। नहीं भी हो तो पी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट पे स्क्वायर फंक्शन से डिपेंडेंट है। इज दिस फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हो इसको आप पढ़ोगे एफ ऑफ एक्स इज द राइट वे ऑफ सेइंग इट, कुछ लोग एफ एक्स भी बोल देते हैं वो भी ठीक है, पर अगर लिखना हो स्कूल में तो एफ ऑफ एक्स लिखोगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और ये सारे भी फंक्शन है, एग्जाम्पल्स है, इन सब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो इस इक्वेशन में जो मैंने यहां लिखा y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये लिखा हुआ है यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस साइन इज अ फंक्शन, सो हेयर इफ यू राइट, अगर आप ऐसे लिखते हो f ऑफ x इज साइन x, इसमें y इज f ऑफ x, x विल ऑलवेज रिमेन x, एंड साइन x इज व्हाट, फंक्शन। इज दिस फाइन? ये यहां से बेटर समझ आ जाएगा। मान लो देयर इज अ मशीन लाइक दिस, काइंड ऑफ अ रैपिंग मशीन, मशीन ऐसे बोल दो, वैसे लिखना मत ऐसे कहीं पे, इसको बोल दो एफ ऑफ एक्स, अगर आप इनपुट देते हो एक्स, आउटपुट क्या आता है वाई, एंड वाई इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स, या मशीन को ऐसे ऐसे डिनोट कर दो एफ। इज दैट फाइन? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिनोट हियर is that this is not multiplication, it is an operation, you have done something to x to make it y। ab jaise yahan pe agar aapne aisa likh diya, ye machine ki jagah aap likh diya sin, to aap idhar se input doge x, output kya aa jayega, sin x, ye sin into x nahi hai, aapne x input diya usko aapne kuch process kiya pata nahi kya kiya, lekin output aaya sin x, इट इज नॉट साइन ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, इट इज नॉट साइन इन टू एक्स। वॉट आई एम ट्राइंग टू से हेयर कि अगर आपको ऐसा पूछा हो कि ऐसा बोला हो कि मान लो जेड आपने डिफाइन किया, आपने बोला साइन ऑफ एक्स बाई एक्स, तो एक्स कैंसिल मत कर देना, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मतलब ये साइन इन टू एक्स नहीं था कि आपने एक्स कैंसिल किया, बोला ये साइन, जैसे सिन, सिन, यू नो व्हाट इज सिन, ऐसी हरकतें आप नहीं करोगे मेरे को पूरा भरोसा है, लेकिन अभी समझ जाओ कि ये साइन ऑफ एक्स बाय एक्स इज नॉट साइन, बिकॉज साइन ऑफ एक्स इज नॉट साइन इनटू एक्स। इज दैट फाइन? यू कैन टेक इट एज अ रैपिंग मशीन, यू पुट समथिंग अनरैप्ड, आफ्टर यू गेट इट इज रैप्ड, सो यू कैन नॉट कैंसिल इट डायरेक्टली, साथ साथ में नहीं पड़े हुए, यू हैव प्रोसेस्ड इट, यू प्रोसेस द इनपुट, फाइन। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि मान लो आपको फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 3x, ये भी फंक्शन है और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये आपको पता है, ये तो पता होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ x इज 3x, ठीक है, इसको आप प्लॉट भी कर सकते हो, कर सकते हो प्लॉट, कर सकते हो इसे प्लॉट, मीनिंग ऑन द ग्राफ, इसका ग्राफ अगर आप बनाओ ऐसे, प्लॉट मतलब ग्राफ बनाना, अगर x एक्सिस इधर है, इधर क्या होगा y, या फिर f ऑफ x, f x नहीं, f ऑफ x, y और f ऑफ x, ये y डिवाइड बाय नहीं है, और है, और इज दिस फाइन? इसको प्लॉट करोगे तो क्या होगा, क्या आएगा, इसको प्लॉट नहीं कर सकते क्या, स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी, कहां से पास करेगी, ओरिजिन से, सी जीरो है, सी जीरो है तो वाई इंटरसेप्ट जीरो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वाई गुड एमएक्स प्लस सी से कंपेयर किया इसको तो सी जीरो था और स्लोप क्या था, थ्री, पक्का
पक्का ठीक है, तो इसको प्लॉट करोगे ऐसे आएगा, एम थ्री होगा थ्री जीरो है। तो प्लॉट में वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स भी लिखा हो सकता है, इज दैट फाइन? तो वो समझ आना कि वो वाई ही है, घबरा मत जाना ये क्या प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस पे एक्स ही होगा, अब इसको तो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको बोला कि जेड इज इक्वल टू टी क्यूब या थ्री टी, थ्री टी, तो इधर लिखा टी, इधर क्या लिखेंगे जेड और एफ ऑफ टी, इज दिस फाइन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फंक्शन ऑफ व्हाट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज टी, दिस वाज डिपेंडेंट, इसको प्लॉट कर फिर वही कब आएगा ये वाला, इज दैट फाइन? लेट्स डू इट अगेन, एक और एग्जांपल लो। आपने बोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इज दैट फाइन? धीरे धीरे वाई हट जाएगा पिक्चर में से, वाई को यूज ही नहीं करेगा, सीधा बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज दिस। तो वाई अगर आपको प्लॉट करना होगा तो धीरे धीरे आप कैसे बोलोगे, इसको प्लॉट कर सकते हो, इधर आएगा एफ ऑफ एक्स, इधर आएगा एक्स, इसको प्लॉट करोगे तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड अ प्लॉट। ये तो आपको पता होगा या नहीं पता है, प्लॉट, दिस प्लेन इज कॉल्ड व्हाट, कार्टेशियन प्लेन, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, नेम्ड आफ्टर हुम, नॉट कार्टेशियन, रेने डी कार्टे, ये तो सुना होगा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो पहला पेज आप कभी पढ़ते नहीं हो लेकिन लिखा हुआ है, जहां चैप्टर का नाम लिखा होता है उसके नीचे पक्का लिखा होगा, ढूंढना रेने डी कार्टे एंड दिस कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई डोंट रिक्वायर इट, आई एम जस्ट टेलिंग, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं, देयर इज अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देयर इज अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके कोर्स में नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप पढ़ोगे कब फिजिक्स में भी, लेकिन उससे पहले मैथ्स में पढ़ लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जल्दी पढ़ने वाले हो अभी शायद अगला टॉपिक वही हो। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, इसमें आप एक्स कॉमा वाई पॉइंट डिनोट करते हो, एनी पॉइंट यू डिनोट बाय एक्स कॉमा वाई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यू डिनोटेड बाय आर कॉमा थीटा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कभी खुल जाए तो उसमें थीटा वगैरह आर लिखा हुआ दिखेगा काफी जगह, तो वो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आप पढ़ोगे अभी। पर अभी दिस इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन यू प्लॉट दिस कर्व वाई गुड एक्स स्क्वायर, प्लॉट कर सकते हो, कैसे करोगे, वहीं पे वही पुरानी बात पे आ जाओगे, एक्स इक्वल टू वन देन वाई इक्वल टू वन, इफ एक्स इक्वल टू देन वाई इक्वल टू फोर, इफ एक्स इक्वल टू थ्री देन वाई इक्वल टू नाइन। हाँ मतलब अगर सड़क पे आ जाओगे तो यही प्लॉट करोगे, ऐसे ही प्लॉट आ जाएगा, इसको बोलते हैं मतलब बिल्कुल सरेंडर। देखो क्वेश्चन तो आप कर दोगे लेकिन क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कैसे हैंडल करते हो, क्या आप उसको वैसे हैंडल करते हो कि जैसे 14 लाख लोग और हैंडल कर रहे हैं, या वैसे हैंडल करते हो जैसे आईआईटीएस हैंडल करते हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी से दिख जाना चाहिए कि आप यू आर एक्सेप्शनल, तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि आई वुड एक्सपेक्ट प्लॉट करना है तो आप एक एक पॉइंट लेकर प्लॉट तो कर दोगे, अभी तक आप करते भी है यार, आपकी गलती नहीं है, अभी तक आप लाइन भी ऐसे प्लॉट करते हो, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट तो होने जरूरी है लाइन प्लॉट करने के लिए, यही आपको पढ़ाते होंगे स्कूल में, अब दो पॉइंट जरूरी है तो वही प्लॉट करो। द वे द लाइन शुड बी प्लॉटेड एक्चुअली इज दिस वे, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो उसको, ये इक्वेशन देखिए लाइन की, नहीं देखी, नहीं देखी, देखो मान लो मैं आपको सिखाई देता हूं, मान लो आपको ऐसे दिया है y is equal to 3x plus 6, मान लो ऐसा दिया है, अब आपको ये प्लॉट करनी है ग्राफ पे, अब आप x equal to 1, 0 मान लो तो y equal to 6 आ जाएगा, x equal to 1 मान लो y equal to 9 आ जाएगा, फिर आप 9 ढूंढते फिरोगे, फिर आपको लगा नहीं ग्राफ छोटा है, फिर आप उसको x को शिफ्ट करोगे, ये सब चीजें करने का टाइम नहीं होता है,
आईआईटी में, क्यों? क्योंकि ये पूछा नहीं होता है, पूछा होता है कुछ शुरू यहां से हो रहा होता है। अब आप इसमें ही 10 मिनट लगा दोगे तो आगे उसके बाद कुछ और करोगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ और करोगे, उसको कुछ और करोगे, फिर लास्ट टाइम आपको पता लगा अच्छा नहीं ग्राफ छोटा था, तो ऐसे नहीं होता है। यहां से अगर आपने इफ यू हैव स्पेंट 15 मिनट्स ऑन द क्वेश्चन, यू गेट 1 आवर टू सॉल्व 20 प्रॉब्लम्स पर सब्जेक्ट। इफ यू हैव स्पेंट 15 मिनट ऑन अ क्वेश्चन एंड यू डोंट गेट इट राइट, 1/4 ऑफ योर लाइफ इज गॉन। 45 मिनट में आपको 19 क्वेश्चन करने हैं बचे हुए, और वो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि वो डिप्रेशन आपको 15 मिनट का, पहले तो आप देखोगे अच्छा अच्छा अभी तो स्टार्ट हुआ, ठीक है आप स्टार्ट किया, 15 मिनट आप लगे रहे, क्यों लगे रहे? क्योंकि वो आपका फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन था, आपको लगा ये तो मैं करके ही जाऊंगा, सिलेक्शन हो ना हो इसको करूंगा। क्यों? क्योंकि दो चीजें, एक तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, अगर मैं इसको बिना करे चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और दूसरा आप इमोशनली, तो आप यू गेट अटैच्ड इमोशनली वेरी सून, आपको लगता है ये तो मेरा टॉपिक बिल्कुल यही तो मैं ढूंढ रहा था पूरे पेपर में, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए, और अब वो नहीं आ रहा है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, एक वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, दूसरा गलत है क्वेश्चन। अब गलत क्वेश्चन के ये 4 नंबर तो दे देते हैं लेकिन 15 मिनट नहीं देते। इफ अ क्वेश्चन इज क्रैप्ड इनसाइड जेई एडवांस और जेई मेन और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू विल गेट द ग्रेस मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन, बट हु नोज हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन दैट क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है आपने अटेम्प्ट ही ना किया, ऐसा भी हो सकता है आधा घंटा लग रहे उस क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी बुरी है। तो इसमें प्लॉट कैसे करते हैं देखो, इसको आप x/a + y/b = 1 की फॉर्म में ले आओ। कैसे लाओगे? पहले तो 3x उधर लेके जाओ, तो y - 3x इस क्या हो गया 6, 6 से डिवाइड कर दो, तो y/6 - x / 2 = 1। अब जो x के नीचे लिखा है वो x इंटरसेप्ट है, जो y के नीचे लिखा है वो y इंटरसेप्ट है, -2, 6 दिस इज द लाइन। ठीक है, ये आप वैसे भी देख सकते हो, इफ यू पुट x = 0 देन y = 6 एंड इफ यू पुट y = 0 देन x = -2। यही दो पॉइंट है, वो यही पॉइंट है, आपको बोला था प्लॉट करके सर्कल भी कर दिया करो। इज दिस फाइन? दिस फॉर्म इज ऑलवेज यूजफुल, लिख लो। वैसे आप ये सब पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन पूरा टॉपिक है, आप 2-3 हफ्ते पढ़ने वाले हो मैथ्स में, तो इसलिए आई एम नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दिस, बट स्टिल देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज वन ऑफ दीस, दूसरी है y = mx + c, तीसरी अभी मुझे जरूर द गुड पॉइंट ऑफ दिस फॉर्म इज In this form, you know both the intercepts. उसमें y = mx + c में आपको सिर्फ y-intercept बताओ। You know what is intercept? The place where the line cuts the axis. ठीक है? आपको सिर्फ y-intercept बताओ, यहाँ दोनों पता है, दोनों पता है तो दोनों आप दोनों पे एक line draw करने का सिर्फ यही तरीका है। And you should be very fast at this. Is this fine? I'm not going to teach you plots actually. और ये एक बुक आती है Play with Graphs. अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, छोटी सी बुक है, अच्छी है, देखने में अच्छी है, साइज भी छोटा है, the size is nice. Feel good size. अगर आपको ऐसी बुक मिलता है तो आप बोलते हैं, अगर वो ले लोगे तो आप फायदे में लोगे, मैथ्स में बहुत यूज होगी, और अगर आप वो पढ़ जाते हो पूरी तो फिर यू विल बी एक्सेप्शनल इन प्लॉटिंग कर्व्स, प्लेइंग विद द कर्व्स हियर एंड देयर, इट विल हेल्प अ लॉट एवरी डे इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। ये मैथ्स ही है जो आपको पढ़ा रहा है, दिस बेसिक नॉलेज ये सब तो आपको पता होना चाहिए, मैथ्स इज समथिंग बेटर। आप देख लोगे स्ट्रेट लाइंस में कितना मैथ्स आप पढ़ोगे, ऐसे ऐसे करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, ऐसे ऐसे करके बिना पेन उठाए 3-4 लाइनों के 3-4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फटाफट, और वो मैट्रिक्स में भी लिख दोगे।
तो काफी कुछ करोगे आप, अभी तो इतना ही कर लो। अब देखो इसको प्लॉट करने के दो तरीके हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक में सबसे पहले देखना होता है रूट कितने हैं। रूट तो दो ही होते हैं क्वाड्रेटिक में, यू नो व्हाट इज रूट, व्हाट इज द रूट, जहां पे वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसके दो ही रूट है, दोनों एक ही जगह पे, कहां पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। वैल्यू जीरो हो जाती है मतलब क्या, वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। देखो अगर ऐसा दिया हो वाई को लो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, y कब जीरो होगा, अगर x2 हो जाए, अगर x2 हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो y भी जीरो हो जाएगा क्योंकि x माइनस वन फिर कुछ भी हो इंटू जीरो तो जीरो ही रहेगा। और अगर x1 हो जाए तब भी क्या होगा, y जीरो हो जाएगा। तो दो रूट आ जाएंगे आपके पास यहां से। खैर उसको छोड़ो, इसमें आपको ये दिख रहा है क्या, इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली बात तो ये है कि जो वैल्यू x इक्वल टू वन पे है वो ही क्या है, x इक्वल टू माइनस वन पे, इज दैट फाइन। x इक्वल टू वन पे y क्या है, वन, x इक्वल टू माइनस वन पे भी y वन ही है, ठीक है। y की वैल्यू नेगेटिव लाना पॉसिबल नहीं है, क्या करोगे आप ज्यादा से ज्यादा, x नेगेटिव दे दोगे y फिर पॉजिटिव हो जाएगा, y की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये सब आप देख पा रहे हैं यहां से या नहीं, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो y आ जाएगा 1, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हो फिर 1 आ जाएगा, x की जीरो पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा, x 2 y 4, x माइनस 2 y अगेन 4, इज दैट फाइन। सो देयर आर टू थिंग्स, y कैन नॉट बी नेगेटिव, y कैन नॉट बी नेगेटिव, इज दिस फाइन। एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है रियल, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप जाओगे तो है रे, लेकिन रियल वैल्यू, रियल वैल्यू आपको अभी तक जितने नंबर पता है सारे रियल, रियल नंबर आप कोई भी पुट करोगे इधर तो वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, या तो आप एक्स पॉजिटिव पुट करोगे। देखो तीन ही केस है आपके पास, रियल नंबर लाइन आपको पता है, पढ़ लिया आपने मैथ्स में, इनफिनिट डेंस नेचर ऑफ रियल नंबर लाइन, लॉ ऑफ ट्राइकोमी नहीं पढ़ा, इनकी वो उनके बारे दिमाग तो फिर वो भाई से भी आ जाएगा कि, पर एनीवेज दिस लाइन इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन, एक्स एक्स एक्स, बाकी आप उधर पढ़ो। पर अभी ऐसा बच्चों देखो, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, या तो आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे, या आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे, ठीक है, या फिर एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो। अगर एक्स आप जीरो पुट करोगे तो वाई जीरो आ जाएगा, ये बात तो कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव पुट करोगे तो y पॉजिटिव आना ही, नेगेटिव पुट करोगे तो फिर से स्क्वायर होगा y पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज़ नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, इज दिस फाइन। तो मतलब x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो आप पुट करोगे और y नेगेटिव हो जाए, रियल वैल्यू कोई नहीं, मतलब इस लाइन के नीचे कुछ नहीं होगा क्योंकि इस लाइन के नीचे y नेगेटिव है। There are parts of the curve, parts of the plane. Parts of the plane में आपने बोला इधर क्या है? X positive, y भी positive. इधर क्या है? X negative, y positive. इधर दोनों negative. और इधर y negative. तो y negative वाली दोनों चीजें आपने हटा दी. अब ये दो quadrant बचे. ये दो quadrant बोलते हैं इसको पता है? First, second, third, fourth. कैसे कहते हैं? Count anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise is fine with you? Fine. First, second, third, fourth quadrant है, third और fourth आपने हटा दिए। बचे कौन से? ये दोनों। यही यहाँ पे y क्या है? Positive. ठीक है? एक बात मैं ये बता बोल सकता हूँ कि जो भी graph होगा ये ऊपर ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तब मैंने यहाँ draw भी यही किया था। ये आपको बाद में realize होता है कि graph छोटा रह गया। यहाँ पे पहले ही पता होता है कि किधर आएगा curve। और दूसरा ये भी बोल सकता हूं कि जो भी ग्राफ की शेप इधर होगी वही इधर होगी, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू एक्स पॉजिटिव है वही वैल्यू एक्स नेगेटिव है, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लो, टू पे भी वही वैल्यू माइनस टू पे वही है, थ्री पे वही है माइनस थ्री पे वही है, माइनस थ्री पॉइंट फाइव पे भी वही है, माइनस प्लस थ्री पॉइंट फाइव पे भी वही है। एक्स की वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव लो तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी,
x की वैल्यू -3.5 लो तो y की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब जो पॉजिटिव x ले रहे हो आप उतना ही नेगेटिव लो तो y चेंज नहीं होगा। तो ग्राफ दो बातें मैं यहां से बोल सकता हूं, एक तो ग्राफ विल नॉट लाई बिलो द x एक्सिस, दैट मींस इन द थर्ड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरी बात, ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट x y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और ग्राफ का प्लॉट कैसा होगा मोर और लेस, वो ऐसा ही होगा, इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग कर्व। ये आप डिफरेंशिएशन के बाद समझ जाओगे क्या हो रहा है ये, पर प्लॉट ऐसा होगा। लेकिन अभी तक आपसे जो एक्सपेक्टेड था वो ये था कि आप ये दो पॉइंट फिगर आउट कर लो कि ग्राफ नीचे नहीं लाई करेगा और वाई के अराउंड सिमेट्रिक होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस पुट करो या माइनस पुट करो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब प्लस टू पुट करो तो माइनस टू पुट करो तो प्लॉट सिमेट्रिक आएगा अबाउट वाई, इज दैट फाइन। ये प्लॉट आएगा, इसको बोलते हैं प्लॉट, प्लॉट मतलब ग्राफ या प्लॉट कुछ भी बोल सकते हैं, ऑल्दो आपको पता होगा पर फिर भी, इज दिस फाइन, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है, पक्का देख लो, नहीं है, अगले पॉइंट लिखो फिर। डोमेन एंड रेंज, हेडिंग डाल दो डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, डोमेन में लिखो, डोमेन में, डोमेन एंड रेंज में डिफाइन कर रहा हूं पहले, डिफाइन करने के बाद मैं प्लॉट्स में दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे फिगर आउट करते हैं। लेकिन डोमेन देखो, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कौन सा, x, दैट इज x, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये वेरिएबल ऑफ x नहीं है, टर्मिनोलॉजी हर जगह समझ जाया करो, कई बार ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, कई बार ब्रैकेट मीन्स फंक्शन ऑफ, कई बार ब्रैकेट इज जस्ट अ ब्रैकेट, इट इज नॉट इंग्लिश क्लास। जैसे जैसे आई वॉज रीडिंग ऑन द नेट, तो एक जगह लिखा हुआ था द there was a guy sitting in a hotel room and the there was a painting and the painting was blue. तो अब इसकी आप explanation, अगर ICSE से हो तो इसके explanation आपको पता ही होगा, लिखते हैं लोग now blue is a color which represents what, not sky, blue is a color which represents sadness, there is representation of colors, you can always say I'm feeling blue, फीलिंग ब्लू मतलब यू आर फीलिंग सैड। तो ऐसा नहीं होता है कि आप अगर आपने बोला कि द पेंटिंग वॉज ब्लू, सो इट माइट जस्ट मीन दैट द पेंटिंग इज पेंटेड ब्लू एक्चुअली, इट माइट जस्ट नॉट मीन एनीथिंग, समटाइम्स इट मीन्स दैट द ऑथर वॉज वेरी सैड सो ही वॉज लुकिंग एट द पेंटिंग एंड द पेंटिंग अपीयर्ड ब्लू सो इट रिप्रेजेंट्स दैट द ऑथर वॉज वेरी सैड एंड दे राइट सो मच ऑफ एसे अबाउट इट एंड यू आर रीडिंग एंड यू आर थिंकिंग दैट हाउ कैन समबडी थिंक दैट वे, the painting was just blue and you are making so much of stories out of it, yahan pe aisa nahi hai, lekin english wahi hai, ab agar wahan pe likh denge ki kai bar aise likh dete question mein bhi plot the independent variable bracket mein x, to ye variable of x nahi hai, ye sirf wo bol rahe hain ki x ki baat kar rahe hain hum, theek hai, all the possible values of independent variable x are called डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज लिखो, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, that is y, are called range of the function,
पॉसिबल वैल्यू से क्या मतलब? Which equation? हाँ, मतलब फंक्शन, मतलब अगर आपको फंक्शन पता है, देखो अगर आपको एग्जाम्पल से इसको टेकअप करना हो तो ऊपर देखो ये वाला प्लॉट, इसमें आपने y को x को देखते ही पहले क्या बोल दिया था कि नीचे ग्राफ लाइन ही करेगा, ठीक है, नीचे ग्राफ लाइन ही करेगा, क्या क्या मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता है, इज दैट फाइन, y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y की पॉसिबल वैल्यूज नेगेटिव नहीं है, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, जीरो टू इंफिनिटी, y की पॉसिबल वैल्यू जीरो टू इंफिनिटी, और x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, x की सारी पॉसिबल वैल्यूज है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, x की तो आप दूसरी वैल्यू यूज पे कर सकते हो, इज दैट फाइन, तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, रेंज जीरो टू इंफिनिटी, बस दैट इज ऑल। ये दो टर्म डिफाइंड है जिसमें से पहली टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से वैल्यू टेकअप कर सकता है, कहां से कहां तक, उसको बोलते हैं डोमेन, और डिपेंडेंट वेरिएबल कहां से कहां तक वैल्यू टेकअप कर सकता है उसको बोलते हैं रेंज। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा फंक्शन आप बता सकते हो? ऑल्दो ये फिजिक्स में नहीं आएगा, फिजिक्स में फंक्शन आपको सीधा मिल जाएगा, आप कुछ इक्वेशन लिखो के आगे फंक्शन आ जाएगा, उसको फिर आगे आगे प्रोसेस करना होगा आपको, लेकिन कुछ क्लास फंक्शन पे आई जस्ट वांटेड टू टेक, कोई ऐसा फंक्शन आप बता सकते हो कि जिसमें x की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ना हो, मतलब डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ना हो, और आपको ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता है तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल इधर ले आओ, रूट एक्स हो जाएगा। अब रूट के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू दे सकते हो, रूट ऑफ माइनस वन इज वॉट, इट्स नॉट अ रियल नंबर, इट इज आयोटा, रूट ऑफ माइनस वन इज आई, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आई को आयोटा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो समझ जाओगे, अगर खोल ही लोगे तो आयोटा आयोटा आई आई थीटा और आर दिखे लिखे हुए दिखेंगे, आप जब कुछ लाइन समझ नहीं आएगी एक भी, उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले समझना पड़ेगा, आयोटा समझना पड़ेगा, बट रूट ऑफ माइनस वन इज आयोटा। पर एनीवेज यहां पे माइनस वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते एक्स की, क्योंकि फिर वो रूट ऑफ माइनस वन हो जाएगा, और आप एट योर लेवल यू कैन जस्ट से दैट इट इज नॉट अ रियल नंबर, नॉट एनी नंबर इन योर नॉलेज। माइनस टू का रूट क्या होता है, ये सब नहीं करते हो आप फोर का रूट ले सकते हो, क्या बोलते हो इसमें, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ फोर, अच्छी बात। तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे y और x कर्व में, या फिर यहां पे क्या हो सकता है f(x), इसको प्लॉट करोगे तो क्या लिखोगे, ये कर्व किसके सिमेट्रिक होगा, रूट ऑफ फोर इज व्हाट, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू मतलब ग्राफ ऊपर और नीचे होगा, ऐसा प्लॉट होगा इसका, x की नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। एनीवेज अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं, उसके बाद आप बता सकते हो डोमेन और रेंज क्या होगी, उसके बाद तो बता ही सकते हो, ये ग्राफ आपने देखा तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो टू इंफिनिटी, इधर कुछ नहीं, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इज दिस फाइन, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है, डोमेन रेंज आपको पता चल गया क्या होता है, फंक्शन आपको पता चल गया क्या होता है, कुछ भी ऐसा जो नहीं पता चला हो, नहीं, ठीक है, अगर आप क्लास में नहीं पूछना चाहते
तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। कुछ लोगों को लगता है क्लास में पूछूंगा मेरे सबको पता लग जाएगा मुझे ये नहीं आता, तो फिर मेरी बहुत बेइज्जती होगी। आईआईटी जेई में इज्जत का टेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसकी बेइज्जती हुई है जो क्लास में वो तो बाहर निकलो पहले। एनीवे, व्हाट इज इन्फिनिटी? यहाँ पे आपने बोला माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी? समथिंग विच कैनॉट बी इमेजिन्ड। नहीं, आई कैन इमेजिन इन्फिनिटी। How many numbers are there on a real number line on x-axis? Infinity. So you can imagine infinity. You imagined infinity just now. So the singular delta, you can imagine. It is what? Larger than the largest thing or a number? Not a number. Infinity is not a number. Then what is infinity? A concept. So if it is not a number, it does not follow what? Addition, subtraction, multiplication, division. Infinity by infinity is not one, because it is not a number. Agar number hota, however large it is, agar aapne jo define kiya, this is somewhat correct. What she is saying is that it is something which is larger than the largest something. अगर इसी डेफिनेशन को, ये तो ठीक डेफिनेशन है, अगर इसी डेफिनेशन को आप चेंज करके बोलो इट इज अ नंबर विच इज लार्जर देन द लार्जेस्ट, देन दिस बिकम्स रॉन्ग, बिकॉज हाउएवर लार्ज द नंबर इज देन इट शुड फॉलो व्हाट? लॉज ऑफ एलजेब्रा, लॉज ऑफ एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इज शुड बी वन, बिकॉज वॉट एवर हाउएवर लार्ज द नंबर इज it should follow division, but because it is not a number, it does not follow laws of addition, subtraction, multiplication, division. Is it fine? ठीक है। और infinity minus infinity is not zero. Infinity minus infinity is not zero. You know that? You don't know that. You don't know that. What is infinity minus infinity? Infinity. Infinity minus infinity is infinity. Not defined. Not defined. Prove. हाँ, बिल्कुल सही बात। Infinity plus one is infinity. तो infinity को उधर ले जाओ तो infinity minus infinity is one. मतलब इस infinity को आप इधर ले आए तो infinity minus infinity is one. आपने बोला नॉट डिफाइंड। अब आगे भी तो लिखो ना, इन्फिनिटी प्लस टू इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो टू, तो आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। इन्फिनिटी प्लस थ्री इज इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज थ्री, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी को आप इधर ले गए, नथिंग इज मेकिंग सेंस हियर। व्हाई? बिकॉज द ऑपरेशंस आर रॉन्ग। यू कैन कांट जस्ट ऐड अ नंबर टू अ कॉन्सेप्ट, यू कैन डू दैट। इज इट फाइन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इन्फिनिटी को नंबर की तरह ट्रीट मत करना, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लार्ज, अ वेरी लार्ज थिंग एंड इन्फिनिटी। द नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स ऑन अर्थ इज व्हाट? नॉट इन्फिनिटी। It can be counted. You can't count it, that is your problem. Is it fine? But it can be done. And whatever answer you will get finally is a number. Is that fine? Koi problem? Theek. Ab dekho aage. Iska kya matlab hota hai iska? Ye to humne set. Haan. Sets padh liya aapne na? ये तो आया होगा तब वहां पे। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इज एलिमेंट ऑफ। इज दैट फाइन? अगर मैं बोलूं कि एक्स, दैट मींस व्हाट? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मींस वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी व्हाट? एक्स
x varies from 1 to infinity. और x is element of w. इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो रेंज और डोमेन भी यहां से चेंज हो जाएंगे. कैसे चेंज हो जाएंगे? ऐसे चेंज हो जाएंगे. मान लो इलस्ट्रेशन ले लो इसको. ये जो नोटेशंस मैं यूज कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन मीन समथिंग विच आई विल सॉल्व. क्वेश्चन मीन समथिंग विच इज मेंट फॉर यू टू सॉल्व. आई विल वेट टिल द टाइम यू सॉल्व. 5-10 minutes. फाइनली आई हैव टू सॉल्व. आई नो दैट. फाइन. पहले कुछ टाइम तो ऐसा ही होगा कि क्वेश्चन हो, इलस्ट्रेशन सॉल्व तो मैं ही करूंगा. आप दूसरे देख रहे हो, आप बोल रहे हैं हाँ अच्छी बात है, आप बहुत खुश हो क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है. एनीवेज, इलस्ट्रेशन में मैंने बोला एरिया इज पाई आर स्क्वायर. मान लो किसका एरिया होता है? सर्कल का. सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल. पहले तो सबसे पहले ये बता दो पाई क्या होता है. नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी आ गया तो अब सब कुछ नॉट डिफाइंड. इरेशनल तो होता है. होता क्या है? समथिंग लाइक सिंग व्हाट इज अ कार. तो आप कह रहे हो कार हैज फोर व्हील्स. वो तो ठीक है, बट व्हाट इज अ कार? व्हाट इज पाई? रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन डायमीटर. ये एक्चुअल डेफिनेशन लिख लो. रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर. डायमीटर क्या होता है? 2 आर. तो 2 पाई आर बाय 2 आर क्या हो जाएगा? पाई. और डिफाइन कैसे किया था? फाइंड भी ऐसे ही किया. रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज pi. Ratio of circumference of a circle to the diameter of a circle. Ratio of circumference of a circle to the diameter of a circle is known as pi. Fine. ठीक है, तो area is equal to pi r square आपने लिख दिया. इसमें आपने बोल दिया एक कंडीशन और लिख दी साइड में. आपने बोला a कॉमा r. a क्या है? एरिया. r क्या है? रेडियस. a कॉमा r इज एलिमेंट ऑफ n. इज इट फाइन? तो इसकी डोमेन क्या हो गई? 1 to infinity. 1 to infinity कैसे हो गई? फिर आप ऐसे नहीं बोलोगे ना 1 to infinity. 1.5 थोड़ी ना है उसमें. बोलोगे इट इज 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी. डोमेन मीन्स व्हाट? वैल्यूज विच व्हाट? हु कैन टेक? आर. डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन टेक. इज दैट फाइन? और रेंज क्या हो जाएगी? वन टू. टू कैसे होगी? टू कब होगी रेंज? एरिया की वैल्यू 2 कैसे आ सकती है? यहां से ए हटा दो, आर ही बोलो सिर्फ. अब रेंज बताओ. देखो सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्या 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 हो सकता है. सिर्फ अगर आर एक एलिमेंट ऑफ एन दे दिया आपको तो 1 to infinity वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल है, सारी पॉसिबल नहीं है. ये समझ रहे हो या नहीं? रुको एक मिनट, मैं जो बता रहा हूं वो देखो. यहां आपने बोला कि a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये फंक्शन था, इतना ठीक है? ये फंक्शन था, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था a और इंडिपेंडेंट वेरिएबल था r. दिस मच इज फाइन. अब द सेट ऑफ वैल्यूज विच r कैन टेक इज द डोमेन, एंड द सेट ऑफ वैल्यूज विच a कैन टेक इज रेंज. अब एक कंडीशन और लगा दी आपको, क्या? कि r इज एलिमेंट ऑफ n. तो r एलिमेंट ऑफ n होना चाहिए, मतलब 1.1, 1.2, 1.3 ये सब r पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और रेडियस नेगेटिव तो कभी होता नहीं. सर्कल का रेडियस या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा. -1 तो रेडियस नहीं हो सकता है. ये तो ठीक है. तो कुछ कंस्ट्रेंट्स आपने कॉमन सेंस से लगा दिए, कुछ कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हुए थे. तो आपने बोला रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड रेडियस हैज टू बी नेचुरल नंबर. तो 0 भी हट गया वहां से क्योंकि नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है वो. वैल्यू तो पॉसिबल थी. ये ठीक है? तो डोमेन आपने बोला 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. अब एरिया में आप क्या क्या बोल सकते हो? आपने बोला एरिया पाई आर स्क्वायर है. एक बात तो आर की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं थी,
लेकिन अगर होती भी तो आर स्क्वायर कर दिया था आपने यहाँ, तो एरिया तो वैसे भी पॉजिटिव आना था और पाई की तो वैल्यू पॉजिटिव होती है ये, ठीक है? तो ये सब पॉजिटिव आएगा, एक बात तो ये आपने बोली। दूसरी बात, एरिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप आर की वैल्यू वन पुट करोगे तो एरिया क्या आएगा? पाई। टू पुट करोगे तो फोर पाई। थ्री पुट करोगे तो नाइन पाई। पाई और फोर पाई के बीच में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? थ्री पाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वैसा आर ही नहीं आपके पास। इज दिस फाइन? कंस्ट्रेंट्स आपको सारे देखने पड़ेंगे, सारे कुछ आपको सोचने पड़ेंगे। जैसे एक रूप आया स्क्वायर में, आपने बोला ये सब तो ठीक है मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो ये ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये एरिया होता है, ए इज एरिया, और हमें ये भी पता है कि आर रेडियस होता है। तो अगर हमें ये दो बातें पता है तो हमें ये भी पता है कि रेडियस नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट आपने कॉमन सेंस से सोच लिया, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स। एंड देन मैथमेटिक्स अप्लाइड वन कंस्ट्रेंट व्हिच इज व्हाट? आर इज इक्वल टू एन। तो एन का एलिमेंट मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 ये सब वैल्यूज हो सकती है, और नेगेटिव आपने पहले एक्सक्लूड कर दी, 0 इसमें एक्सक्लूड कर दी, ठीक है? और बीच की वैल्यू जो थी 1 टू 2 के बीच में, वो सब भी एक्सक्लूड होगी, तो बचे क्या? ये हो गई डोमेन। डोमेन वो वैल्यूज हैं जो आर फाइनली टेकअप कर सकता है आफ्टर ऑल द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर यहां पे आ जाता कि आर इज ऑल्सो लेस देन 100, ये भी कंस्ट्रेंट दे सकते थे, तो फिर 1 से लेके 99 तक आ गए, क्योंकि लेस देन 100 भी एक और लगा दिया आपने। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ भी ना बचे फाइनली, तो डोमेन आप बोलोगे इट इज नल सेट, फाइव, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ भी ना बचे, फॉर एग्जाम्पल आर एलिमेंट ऑफ एन दे दिया और आर लेस देन 0 दे दी, तो उधर तो आपने देखा नहीं, आपने बोला इन सबको तो कुछ सेटिस्फाई नहीं करता, कुछ कुछ फिक्स वैल्यू पॉसिबल है, तो एरिया की भी कुछ फिक्स वैल्यू पॉसिबल है, रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती है, तो वो फिक्स वैल्यू आपने फाइंड करी, वाई पाई फोर पाई नाइन पाई एंड सो ऑन। इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि एरिया पॉजिटिव है तो यहां से आपको दिख गया, तो जीरो टू इंफिनिटी नहीं है इस स्थान से। क्यों जीरो टू इंफिनिटी नहीं है? क्योंकि एरिया जीरो होने के लिए आर क्या होना पड़ेगा? जीरो, और आर जीरो नहीं हो सकता है, तो एरिया भी जीरो नहीं हो सकता, ये ठीक है? उसके बाद आर क्या हो सकता है? वन, वन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? पाई, वो आपने लिख दी। आर हो सकता है फिर टू, टू के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी फोर पाई, तो ये सेट आपने बनाया खुद पहले बनाया, इसको आपने बोला रेंज। Is it fine? You have to be extremely intelligent in finding domain and range. कोई problem तो नहीं? Is it fine? Okay. लिख दो, ये सब लिख लो, जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो यही समझते रहा करो। लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा एक्स्ट्रा, आप लोगों को नोट करने का बहुत शौक है, दो तीन शौक है आपके जो खराब है, एक तो नोट करने का, एक आपको टेंथ तक तो स्पेसिफिकली आपको ये रटवाया जाता होगा कि अगर ये प्रूव करना है तो LHS से शुरू करो और ये प्रूव करना है तो RHS से शुरू करो। I've seen your notebooks. You sometimes know कि कहाँ से शुरू करना चाहिए इस प्रूफ को, और प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें कुछ आंसर नहीं लाना होता, सिर्फ प्रूफ करना होता है, टफ होते हैं। मैंने ये भी देखा है कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, 5-7 स्टेप लिखेंगे, फिर उन्हें लगेगा यह प्रूफ तो हो नहीं रहा, अब क्या करें, 3-4 टर्म अपने आप लिख देंगे अपनी मर्जी से, उन सबको काट के लिख देंगे हेंस प्रूफ, उन सबको नीचे लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये सिर्फ 3-4 लाइनें तो आपको याद होती है। तो यू फॉलो वन स्ट्रेटजी व्हिच इज इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम व्हिच इज नॉट गोइंग टू वर्क देयर। यहां पर पीपल एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, द गाय हु विल, आप लकी हो आज जेईई में इंटरव्यू नहीं होता है, 2 मिनट लगते हैं ये पता करने के मेरे सामने वाले को कितना पता है और कितना उसने जिंदगी में हेंस प्रूफ लिख के आया है। आपका इंटरव्यू तो 1 मिनट में खत्म बाहर, आपको बोलोगे एरिया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप बोलोगे पाई स्क्वायर, आप बोलोगे पक्का, आप कर दोगे आप बोलोगे पक्का तो नहीं, लेकिन अभी तक तो यही होता है बस खत्म बाहर।
अब कुछ चीजें आप करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन है आपको करने, मतलब वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, एक पजल भी दूंगा मैं, जाते हुए याद दिला देना, लेके जाना उसको। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। इन द इनिशियल फ्यू क्लासेस, दैट मींस 2 or 3 क्लासेस, माय ऑब्जेक्टिव विल बी टू ओपन अप योर ब्रेन अ लिटिल बिट। जो 10th की एनसीईआरटी के बीच में कहीं घुसा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको वहां से बाहर निकालना और थोड़ा रूम देना ग्रो करने का। 10th स्टैंड में प्रॉब्लम यही है, एक तो आपकी बुक इतनी ईजी है और उसको आप हजार बार पढ़ के पूरा रट रट चुके हो, कॉमा भी याद हो गया आपको। अब जो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता था, आपको कॉमा भी याद आ जाता बुक के पेज का, यहाँ तो कॉमा था, अगर कुछ आपने कटिंग की हो तो वो भी आ जाती है, यहाँ भी कटिंग भी थी, कटिंग के नीचे वाली लाइन याद नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे करके लोग कुछ लोग बोल रहे होते हैं ऐसा, मतलब 10th एग्जामिनेशन में कुछ लोग ऐसे, यार उसके नीचे क्या लिखा था, मतलब उनको ये भी पता है कि ऊपर क्या लिखा था नीचे क्या लिखा था, एक्सट्रीम एक्सट्रीम मेमोरी। एनीवेज, ये आपको दिया हुआ, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम आपने बोला इफ आर इक्वल टू 3 फाइंड वी, इफ आर इक्वल टू 2 फाइंड वी। बहुत अच्छी बात है, ये आप बताओ, उससे उसके बाद में थोड़े क्वेश्चन बना लेते हैं, सॉल्व सॉल्व करोगे, कुछ बने हुए हैं वो कर लो, फिर जो बनाता हूँ वो करते हैं, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, फटाफट बताओ। कितना पहला वाला गलत है, 36 पाए और नहीं, सेम सेम आपसे ये दोनों ही नहीं निकल रहे हैं। वेलकम टू नॉन मेडिकल, ये सब गलतियां छोड़ आओ पीछे, फ्रस्ट्रेशन लेवल आपको पता नहीं है कितना हो सकता है इससे। ये सॉल्यूशन अभी जो आपने स्टार्ट कर रहे हो ना, ये यहीं पे स्टार्ट, यही नहीं पूछा जाएगा कि वॉल्यूम का फंक्शन दे दिया आपको, बोला आर ये है, बताओ वॉल्यूम क्या है, ये जेई का एग्जाम है, यहाँ से स्टार्ट होगी बात, इसके आगे 15 स्टेप और होंगे, फिर वो सोचने भी होंगे, लिखने भी होंगे, सॉल्व भी करने होंगे, फाइनली आंसर नहीं आया और आपको ये पता लगा कि मैंने स्क्वायर क्यूब की जगह स्क्वायर कर दिया था शुरू में, और उसकी वजह से 15 मिनट खराब होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। दिस क्वेश्चंस माइट हॉन्ट यू योर एंटायर लाइफ, आप ग्रेविटी नहीं समझ रहे इस बात की, अगर अंदर आप ऐसी दो चार गलतियां कराए तो अंदर तो कुछ नहीं, आपको अच्छा लगेगा, आंसर जो आपने आप निकालोगे वो होगा भी ऑप्शन में। योर मोस्ट प्रोबेबल मिस्टेक्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, योर मोस्ट प्रोबेबल मिस्टेक्स आर थॉट ऑफ एनालाइज्ड, द इनकरेक्ट ऑप्शंस आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, वो ऐसे रैंडम नहीं होती, एक तो सही आंसर होता है, बाकी तीन ऑप्शन जो होती हैं वो सोच के बनाई होती हैं कि आज ये आप ये भी सोच सकते हो। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया इसमें पहला आंसर 6% ही था, होगा क्या, आपने क्वेश्चन देख लिया, और ए ऑप्शन होती है जनरली, क्वेश्चन देख लिया आपने सॉल्व किया, पहले सॉल्व किया तो 6% आया, फिर आप भूल गए पूछा क्या था, अगर आप शायद दोबारा पढ़ लेते तो आपको याद आ जाता पूछा क्या था, लेकिन 6% देखा आपने, ये ऑप्शन देखी आपने, बोला हाँ ये तो बिल्कुल सही, मार्क कर दिया, आगे के ऑप्शन में नहीं देखे और ये क्वेश्चन में नहीं दोबारा देखा। सो दे अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी वेरी वेल, तो आपको बहुत सारे ट्रैप्स में से निकलना पड़ेगा, नॉलेज से ज्यादा ये सब जरूरी है, ये ठीक है, और क्वेश्चन करो फटाफट आंसर बताते जाओ। एफ ऑफ आर इज गिवन टू यू एंड दिस इज गिवन एज 2r-1+3, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास वो कर लो, फिर कुछ मैं बनाऊंगा तो फिर वो करेंगे। 2r-1+3, तो आपने बोला फाइंड एफ एट इनपुट्स 0, 2 x+2 f(2). सीधा सॉल्व मत करने लग जाना, पहले देख लो इधर, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है नहीं पता, डिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ी ना आर,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां कुछ अगर लिखा होता वाई इक्वल टू, वो होता डिपेंडेंट वेरिएबल, पर वो लिखा ही नहीं है, आपको सीधा फंक्शन बोला है एफ ऑफ आर। एनीवेज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। आपको बोला है एफ ऑफ आर एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर है, ये ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आर बट आर डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इज इट फाइन। अब आपको बोला है फाइंड एफ एट इनपुट्स, इनपुट्स मीन्स व्हाट, ये किसकी वैल्यू है, आर की, आर की वैल्यू है, तो अब आर की वैल्यू जीरो होगा तो एफ क्या होगा, वन। आर की जगह आपने जीरो पुट कर दिया तो टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री आया, ये क्या हो गया, वन। एलजेब्रा में यू आर फाइन, बॉड मास यू नो, फाइन यू नो समथिंग। आर की वैल्यू टू पुट की तो क्या आया, फाइव। आर की वैल्यू एक्स प्लस टू पुट की तो क्या आया, टू एक्स प्लस, हाँ टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस वन प्लस थ्री, फिर आया टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस थ्री विच इज टू एक्स प्लस फाइव। आर की वैल्यू नहीं, टू को आर की वैल्यू एफ ऑफ टू पुट की, एफ ऑफ टू क्या था, फाइव, तो आर की वैल्यू क्या पुट की, फाइव। अरे भाई एफ एट इनपुट्स, एफ ऑफ टू इनपुट है, इनपुट एक चीज को आप दोबारा भी इनपुट कर सकते हो। देखो मान लो आपको ये पूछा होता है एफ ऑफ टू बताओ, मान लो ये पूछा है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे पहले हम एफ ऑफ टू कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ टू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये ध्यान से देख लो, सॉल्व बाद में कर लेना। एफ ऑफ टू पहले कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, टू पुट करेंगे किसकी वैल्यू, आर की, जो यहां लिखा हो वो क्या है, आर। एफ ऑफ एक्स में अगर आपको बोला एफ ऑफ एक्स इज दिस समथिंग, तो वो फंक्शन है एक्स का। अगर आपको बोला एफ ऑफ टू बताओ, तो मतलब एक्स की वैल्यू टू डाल के फंक्शन बताओ, इज इट फाइन। अगर लिखा हो एफ ऑफ जेड बताओ, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, जेड। अगर एफ ऑफ जेड प्लस वन पूछा है, तो एक्स की वैल्यू जेड प्लस वन। तो बेसिकली जब आपको पूछा कि एफ बताओ एट इनपुट जीरो, तो आपको क्या पूछा था, एफ ऑफ जीरो, इज दिस फाइन। जब आपको पूछा है एफ की वैल्यू बताओ टू पे, तो आपको क्या पूछा था, एफ ऑफ टू। ये समझ आ रहा है आप लोगों को, आपको पूछा था एफ की वैल्यू बताओ जब इनपुट हो जीरो, तो मतलब क्या पूछा, आर की वैल्यू दी है जीरो, तो मतलब ये एफ ऑफ आर है, तो मतलब एफ ऑफ जीरो है, तो आर की वैल्यू आपने जीरो पुट की। तो अगर ऐसे पूछा हो कि मतलब स्टेटमेंट वन में आपको पूछा कि फंक्शन की वैल्यू बताओ एट इनपुट जीरो, तो आपने आर की जगह जीरो पुट की वैल्यू बता दी। अगर इतनी इंग्लिश नहीं लिखी, सीधा बोला एफ ऑफ जीरो बताओ, तो मतलब आर की वैल्यू जीरो पुट करनी है और जो आएगा वो बताना है, ये ठीक है। अगले केस में आपको पूछा इनपुट टू है, तो फंक्शन की वैल्यू बताओ, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन इनपुट इज टू, दैट मींस आर की वैल्यू टू है, आपने पुट की, फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। या आपको सिंपली बोल देते क्या, एफ ऑफ टू बताओ, ठीक है, तब भी आप आर की वैल्यू टू पुट करते, जो वैल्यू होती बता देते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहां पे आपको बोले इनपुट जब एक्स प्लस टू है, इनपुट फंक्शन की इनपुट, इनपुट एक्स प्लस टू हो तो आर क्या हो, एक्स प्लस टू, तो आपने आर की जगह क्या पुट किया, एक्स प्लस टू, और सॉल्व करके ये बता दिया ये। और आपको क्या पूछ सकते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स प्लस टू पूछते तो क्या क्या करते आप, आर की जगह एक्स प्लस टू पुट करते, तब भी सॉल्व करते हो क्या था, ये। दैट मीन्स दीज टू स्टेटमेंट्स आर टू वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन इनपुट इज दिस, सेकंड इज एफ ऑफ दिस। एफ ऑफ दिस मतलब जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो आर की जगह है, तो आर की जगह वो पुट करते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो यहां पे थर्ड थर्ड केस में आपको क्या पूछा था, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, और अब आपको क्या पूछा है, एफ ऑफ टू नहीं पूछा है, ये इनपुट इनपुट एफ ऑफ टू हो तो मतलब आपको पूछा क्या, एफ ऑफ टू, ये ठीक है ना। आपको पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन इनपुट इज एफ ऑफ टू,
इनपुट इज एफ ऑफ टू मतलब आर की वैल्यू एफ ऑफ टू हो, तो आर की वैल्यू एफ ऑफ टू मतलब एफ ऑफ टू, तो ये दो बार एफ ऑफ है। तो आपने बोला क्या कि हमें ये फाइंड करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये मैं सॉल्व करूंगा, आप नहीं करोगे। तो इसको करने के दो केसेस हैं, दो तरीके हैं। सिंपल वाला ही देख लो, सिंपल वाला ये है कि सबसे पहले आप अंदर देखो, यहां आपने अंदर यहां देखा तो आपको क्या दिखा, एफ ऑफ टू। पहले आपने बोला पहले तो यही कैलकुलेट करते हैं, बाकी छोड़ो। एफ ऑफ टू आपने कैलकुलेट किया, यहां किया हुआ था, क्या आया 5। वैसे आप एफ ऑफ टू कैलकुलेट कर लो, कर भी लो, आर की जगह 2 पुट करोगे, 2-1 क्या हो जाएगा 1, फिर 2 × 1 + 3 दैट इज 5। एफ ऑफ टू आपने सॉल्व किया, ये आ गया क्या 5। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, बच्चा क्या इज इक्वल टू एफ ऑफ 5, क्योंकि एफ ऑफ 2 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एफ ऑफ 5 तो ये कितना क्या आ गया 11, आर की जगह 5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 4 + 3 विच इज 11। इज दिस फाइन, कोई प्रॉब्लम? ये तीन बार भी पूछ सकते थे, एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ टू, फिर आप अंदर से फिर स्टार्ट हो जाते, पहले एफ ऑफ टू फाइंड करते, फिर उसका एफ ऑफ फाइंड करते, फिर उसका एफ ऑफ फाइंड करते, दोबारा पुट कर देते, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको दोबारा पुट कर दो फंक्शन में, फिर जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा पुट कर दो फंक्शन में, ये तो आप करते जा रहे हो। पहले आपको दिया था 2 से वैल्यू आई क्या 5 को आप उठा के फिर फंक्शन में पुट कर दिया, फंक्शन मतलब इधर, फिर ये आया, फिर ये वैल्यू आ गई। अगर एक और एफ ऑफ बार लिखा होता तो यही वैल्यू उठा के फिर से फंक्शन में पुट कर देते तो क्या आ जाता 23। बहुत बार लिखा हो तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, अभी फिजिक्स एज फार एज रिसीव पॉइंट्स हैं, इसको फाइंड करने के तरीके होते हैं, लेकिन वो फिर 4-5 लेक्चर में कवर होंगे। मुझे मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, इज दैट फाइन? ये पूरा मैथमेटिक्स नहीं है, एक क्लास में फंक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शन पूरा टॉपिक है, एक महीना पढ़ते हो आप, आपने बोला कि एफ ऑफ एफ ऑफ तो बहुत प्रॉब्लम है, तो पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं, पहले हमने एफ ऑफ टू फाइंड किया अंदर वाला, ये बाहर भी ब्रैकेट है इसके, तो अंदर वाला ये फाइंड किया तो 2 पुट कर दिया इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इसकी वैल्यू भी क्या है 11, क्योंकि ये इनपुट है, अगर इनपुट ये है तो एफ ऑफ टू पूछ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इफ दिस इज फाइन देन फंक्शन इज फाइन विद यू, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है, ठीक है, आगे करो, और क्वेश्चन करो, थक तो नहीं गए? थक गए तो मैं छोड़ने नहीं वाला था, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तो देखना चाहता हूँ कि आपका क्या स्टेमिना है। 6 घंटे का पेपर होगा आपका फाइनल, हाँ 6 घंटे बैठना होगा एट अ स्टेज, तो आप देख लो कितना चाहिए स्टेमिना। आप लोग तो 45 मिनट, मैंने देखा 45 मिनट तक सब ठीक थे, 45 मिनट बाद आप ऐसे ऐसे होने लग गए, ऐसे पोजीशन चेंज करने लग गए, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। इनसाइड आईडी यू विल बी सिटिंग 18 आवर्स एट अ स्टेज इन सेम पोजिशन विदाउट इवन मूविंग योर लेग लाइक दिस, इतना स्टेमिना आपका बिल्ड हो जाएगा तब तक, आप नहीं भी करना चाहोगे तो हो जाएगा। ये सब चीजें जो इनवॉलंटरीली चल रही होंगी, वॉलंटरीली है, किताब खोलना और पढ़ना। लिखो आगे, एफ एक्स आपको दिया है x²+3, बोला है फाइंड फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो मतलब कैसे और कैसे बोल सकते थे, वैल्यू एट इनपुट जीरो, वैल्यू एट इनपुट जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो, सेकेंड एफ ऑफ 1, थर्ड एफ ऑफ x², फोर्थ एफ ऑफ x+1, फिफ्थ एफ ऑफ 1। कोई ऐसा जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं की? क्यों
आउट ऑफ स्टेशन होना बंद कर दो, कुछ भी करना बंद कर दो 2 साल के लिए। मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स प्लस वन। f ऑफ 0 में हमने x इक्वल टू 0 पुट किया, वैल्यू क्या आई? 3। बिल्कुल सही बात है। आगे 4, ये 3 आ गई, ये 4 आ गई, आगे x बार 4 प्लस 3। x स्क्वायर की जगह आपने x की जगह आपने x स्क्वायर पुट कर दिया, तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, मतलब x बार 4 हो गया। आगे हां, मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 व्हिच इज, ये तो आपको आता है प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो आप पूरा रटा हुआ होगा आपको। हम बताओ क्या रटा हुआ है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, नहीं 1, ठीक। f ऑफ 1, पहले आपने f ऑफ 1 कैलकुलेट किया वो क्या आया था? 4। फिर अब आपने f ऑफ 4 कैलकुलेट किया वो क्या आया? 19। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का इसमें प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होनी चाहिए, मतलब ये सब 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 कैसे समझ आ सकता है? सब कुछ प्रॉब्लम ना होने के 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपको सब आता है या आपको कुछ नहीं आता है। समथिंग इनसाइड मी टेल्स इट इज द सेकंड ऑप्शन। 10th तक आपने कुछ नहीं किया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते यार आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज 1, ये क्वेश्चन आ गया तो अगर इस तरफ से प्रूफ नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ से शुरू कर दो। हाउ एस्केपिस्ट रूट इज दैट? जहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी वहीं छोड़ दिया, सरेंडर, वापस गए और दूसरा वाला साइड उठा लिया। पहले LHS उठाया था, कहीं बीच में फंस गए, अच्छा ये तो बहुत गलत बात, काट दिया। मेहनत नहीं करनी, दिमाग लग जाएगा, नहीं तो दिमाग लग गया तो ये तो खत्म हो जाएगा दिमाग। तो फिर इसलिए अब RHS आओ, RHS उठाओ, वहां से शुरू हो जाओ। कुछ टीचर तो बोलते हैं ये प्रॉब्लम तो हो ही सकती है LHS से प्रूफ, अगर दोनों साइड दी है तो वो प्रॉब्लम दोनों साइड से प्रूफ हो सकती है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हो जाएगी। और मेहनत आप क्यों करोगे? मेहनत करने का क्या फायदा? बाय द एंड ऑफ द ईयर यू नो 90% ऑफ प्रॉब्लम्स रिटन इन द बुक, याद हो गई आपको। क्वेश्चन देख के आपको पता लगता है अच्छा ये तो वो वाली साइड से सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम, साइड भी याद हो गए, साइड ये LHS वाली प्रॉब्लम है, RHS वाली प्रॉब्लम। एजुकेशन सिस्टम खराब है, कैलकुलस जो इतना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको निकालना कैसे, वो भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स वो भी नहीं, उसमें भी फिर दिमाग लग जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है। एफएक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, लास्ट में मैं कुछ आपको बताऊंगा, एक पजल भी दूंगा। एक्स स्क्वायर लिखा है तो अब आपको बोला फाइंड एफ, एड इनपुट वैल्यूज 0, 2, एक्स प्लस 2, एफ ऑफ 2। पहले का क्या आंसर आया जी? 0। दूसरे का? 4। तीसरे का? हाँ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। हाँ बहुत अच्छी बात है, इसको ओपन ही तो करना है। एफ ऑफ 2 क्या था? 4, उसका स्क्वायर क्या कर दिया आपने? 16। अब तो आ गया आपको ये सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी होगी थोड़ी देर में, रुको। एक बात बताओ, आप कहीं 0 तो नहीं कैंसिल कर देते दोनों साइड से? मान लो ऐसा लिखा है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो आपने एक्स माइनस 1 कैंसिल कर दिया, कर देते हो? इसमें जादू दिखाऊं आपको, देखो मान लो एक्स इक्वल 1 था, मान लो आपने ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, इधर क्या आया 1 माइनस 2, और इधर क्या आया 1 माइनस 3, इधर आया -1 = -2। अब ये क्या हो?
अब आप ये लिख दोगे एक जगह, ये प्रूफ में आप यही गलती करते हो, आप कुछ भी कैंसिल कर देते हो दोनों साइड से, देखते नहीं हो क्या कैंसिल कर रहे हो। और आपने नेट पे देखा होगा वो शुरू करते हैं 10 by 10 से और प्रूव कर देते हैं 1 = 2, उसमें रास्ते में कहीं कुछ फैक्टर कैंसिल किए होते हैं, नेट पे इतना ही है। अगर आपको सही में कुछ पजल चाहिए तो जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो मैं आपको ऐसा कुछ दूंगा जो मार्केट में आप घूमते फिरोगे किसी को नहीं पता होगा ये क्या हो रहा है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ कैंप ऑफ कोका कोला इन आईटी दिल्ली, देयर वाज अ बिग क्रेट, बड़ा क्रेट, उसमें बहुत सारी कोक बॉटल्स थी, ऐसे रखा हुआ था ट्रॉफी की जगह पर, और लिखा था प्रूव दैट 25 इज ग्रेटर देन 40 एंड हु कैन प्रूव एंड कीप आर मैथमेटिशियंस पजल फॉर 10 मिनट्स विद दैट प्रूफ कैन टेक होम द बॉटल दैट क्रेट। तो उसमें जो प्रूफ मैंने दिया था वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैंने 1 = 2 बहुत आसानी से प्रूव कर दिया, बहुत आसानी से, और बाद में 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 = 2 प्रूव करने के बाद 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 25 = 50, तो मैंने बोला एज 50 इज ग्रेटर देन 40 एंड 50 इज इक्वल टू 25 तो 25 ग्रेटर देन 40। तो अब ये वो प्रूफ कैसे हुआ वो उसके लिए डिफरेंशिएशन पता होना जरूरी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, पर यहां क्या हुआ ये बताओ। कभी भी इक्वेशन की दोनों साइड से जीरो कैंसिल नहीं करते हैं। अब यहां पे x1 था और आपने x-1 दोनों साइड से कैंसिल कर दिया जो कि एक्चुअली क्या था, जीरो। इज इट फाइन? अब जीरो कैंसिल कर दोगे तो बहुत अजीब चीजें होंगी, देखो मैं बताता हूं कैसे। ये देखो अजीब चीजें ऐसे होंगी, आपने बोला 9 × 0 इज व्हाट, 100 × 0, ठीक है, जीरो आपने कैंसिल कर दिया, यही आप यहां कर रहे हो इफेक्टिवली। बस प्रॉब्लम ये थी कि यहां छुपा हुआ था ये और यहां दिख रहा है। तो जब भी कुछ कैंसिल करते हो आप दोनों साइड से वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ गया या नहीं? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप दो कुछ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंसिल ही नहीं करोगे। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, कुछ इक्वेशन में आप आगे चलते चलते कहीं पहुंच गए, दिस इक्वल टू दिस आ गया, कुछ फैक्टर बन रहा है जो कि आप कैंसिल करना चाहते हो लेकिन फिर आपको याद आया नहीं ये तो जीरो भी हो सकता है, तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल कर दो, लेकिन याद रखो क्या कि वो जीरो नहीं होना चाहिए था। मतलब ये लिखते लिखते साइड में आप लिख दोगे दैट वी हैव अज्यूम दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन होने का मतलब क्या कि ये पूरा ब्रैकेट जीरो नहीं था, इसलिए हमने ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल कर दिया। और फिर आप फाइनली अगर आपका एक्स इक्वल टू वन प्रूव हो जाता है यहां पर तो आपको ये याद आएगा, समझ आई मैंने क्या बोला? मैं बोला लंबी सी क्वेश्चन है, LHS में भी कुछ टर्म्स है, RHS में भी कुछ टर्म्स है, एक्स इक्वल टू वन फैक्टर LHS में भी है, एक्स इक्वल टू वन फैक्टर RHS में भी है, आपने कैंसिल कर दिया आगे निकल गए, लेकिन साइड में लिख दो कि ये कैंसिल करते हुए, साइड में जो भी आप लिखोगे उसका मतलब ये होगा कि ये कैंसिल करते हुए हमने ये मान लिया है कि ये फैक्टर जीरो नहीं है, मतलब इफेक्टिवली हमने ये मान लिया क्या कि एक्स वन नहीं है, ये फैक्टर तो तभी जीरो होगा जब एक्स वन होगा, तो एक्स वन नहीं है ये हमने मान लिया। सॉल्व करते 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 एक्स की वैल्यू अगर फाइनली आ जाती है 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो 1 आप वहां से हटा दोगे, क्यों? क्योंकि वो आपने पहले ही अज्यूम कर लिया था, ठीक है, तो सोल्यूशन से ही हट जाएगा। एक्स ऐसे एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं कभी कभी, ये मैथ्स में आप पढ़ोगे, पर जीरो कैंसिल मत करना, जीरो कैंसिल नीचे तो देख रहे हो आप, ये कितना कितनी गंदी बात है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज स्टूपिडिटी। और ये यहां पर तो दिख गई स्टूपिडिटी, यहां नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी? क्योंकि एक्स में ही काम करते, एक्स तो आपको पता ही नहीं था क्या है, एक्स तो बाद में आना था, वहां से आपने सॉल्व करके निकाल लिया और मान लो तीन वैल्यूज आ गई किसी तरह, आपने बोला x = 1, x = 2, x = 3 आ गया, उसमें से एक आप रिजेक्ट कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर कहीं एक फैक्टर कैंसिल किया हुआ है, जो फैक्टर क्या है, x = -1 = 0, मतलब x = 1, तो वो वाला सोल्यूशन आप वहां से हटा दोगे और ये 1, 2, 3 ऑप्शन में जरूर होगा, वो ये याद रखेंगे आप, ये पक्का भूल गए होंगे, और फाइनल करेक्ट आंसर होगा 2, 3। इज इट फाइन? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप जीरो कैंसिल कर देते हो तो कुछ भी हो सकता है,
हो सकता है ना भी कुछ हो सकता है ठीक भी आ जाए। कैसे? क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करी, वो आ गई 4 और 5, तब उसमें 1 तो था ही नहीं, तब आपको याद है या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन हो सकता है हो भी। अब यहां पे 9 × 0 = 100, 9 = 100 आपने यहां से प्रूव कर दिया, और 9 = 10 भी प्रूव कर सकते थे। तो ऐसे तो सारी नंबर लाइन इक्वल हो जाएगी, 1 = 2 = 3 = everything, सब कुछ एक बराबर है और हमें कुछ नहीं आता। लेकिन जीरो कैंसिल नहीं करना है, एक बात तो ये, मैथमेटिकल ऑपरेशन में गलतियां जो होती हैं वो पहली ये है। एनीवेज ये आपने बता दिया, ठीक है, जनरल डिस्कशन मोर लेस आपने बताई दी है। अब एक क्वेश्चन करो, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x² + x + 3, आप बोला फाइंड f(0). स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, इनसाइड आउट सॉल्व करोगे आप इसको, दिस कॉल्ड इनसाइड आउट अप्रोच, स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द इनसाइड एंड गिवन बाय द आउटसाइड। पता नहीं मैंने अभी बनाया क्वेश्चन, पर अकॉर्डिंग टू व्हाट आई कैलकुलेटेड इन माय माइंड इज 33 × 99 = 33 × 1 = 3 Actual model is not this. Actual model is something else which I want to take up right now. पहले ये बताओ फटाफट, मैं बताता हूँ। 33 आगे। F of zero क्या आया? F of zero 3 आ गया, तो ये value आ गया आपके पास क्या? 3. ठीक है, फिर आपने क्या फाइंड किया? f(3), वो क्या आया? हाँ, तो f(33) अब आपको फाइंड करना है। f(33) आपने बोला क्या है? 3 × 33² + 33 + 3 कॉमन ले लो, यहां से आया क्या? 3 × 33 + 1, सॉल्व तो नहीं किया आपने इसको, मल्टीप्लाई तो नहीं करने लग गए थे? प्लस 3, अंदर क्या बन गया? 100, इट इज 3300 + 3, दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू सॉल्व इट विदाउट अ पेन एंड यू वर इनटू मल्टीप्लिकेशन। अब यहां से टाइम सेव हो सकता था, आपने नहीं किया, ये कैसे पता लगता है? एक्सपीरियंस, टाइम सेव, जो टाइम सेव करने की टेक्निक्स है वो एक्सपीरियंस है। यहां तक तो आप पहुंच जाओ, उसके आगे भी ठीक है, कोई बात मल्टीप्लाई कर लो, कोई बात ये एडवांस में बहुत टाइम है। आप अगर आप एक्चुअल कैंडिडेट हो क्लियर करने का पेपर, तो आप सो भी सकते हो पेपर में, इतना टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 क्वेश्चन कितना टाइम लगता है? 20 मिनट में, 30 मिनट में मैक्स, अगर आता है। नहीं आता तो ले जाओ घर पेपर, तब देखो। और धीरे धीरे अगर आप आईआईटी के अंदर जाते हो तो पेपर्स डोंट कैरी एनी सिग्निफिकेंस एज फार एज मेमोरी इज कंसर्न। मेमोरी का सिग्निफिकेंस यहाँ पे भी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया फॉर्मूले को सब दे देते हैं, कांस्टेंट दे देते हैं, सिर्फ कैलकुलेटर में अलाउड नहीं है, अंदर कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, कैलकुलेशन आल्सो डज नॉट कैरी एनी, कैलकुलेटर आपने फिर भी कैलकुलेट कर आते हर हर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। लेकिन जेई में आप ये याद रखना कि जेई में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में
अगर एम्स की बात करो या जेई की बात करो, तो जो एंट्रेंस एग्जाम है सिर्फ वो ही सब कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे बाहर लोग बोलते हैं, आप एक बार क्लियर कर लो, जेई क्लियर कर लो, उसके बाद तो लाइफ सेट है। सेट नहीं है, तो शुरू होती है। ये है कि अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो शुरू ही नहीं होगी। अब अंदर जाओगे, अगला अंदर का हर पेपर जेई से टफ होगा और सब्जेक्टिव होगा, अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और जो भी आप कचरा सोच रहे हो दिमाग में वो लिख रहे हो, वो दिख रहा है प्रोफेसर। अभी तो आप कचरा कचरा सोच के बी ऑप्शन मार्क कर देते हो, वो क्या आपने सोचा उसके पीछे वो अभी तक नहीं पता चलता है। पर इनसाइड आईआईटी इफ यू टॉक टू द प्रोफेसर एंड से कि बहुत लंबे फॉर्मूले हैं हमसे याद नहीं हो रहे, तो ये उससे ठीक है, बुक ले आना पेपर, बुक ले आना पेपर में बैठ के, बुक खोल के फॉर्मूला देख लेना, तब भी कर दो अगर पेपर तो बहुत बड़ी बात है, तब भी 100 में से 60 हाईएस्ट होते। फिर अगर आप प्रोफेसर को बोलो कि हमें 1 घंटे का पेपर था, हमें 2 घंटे का था, 1 घंटा 50 मिनट हो गए, आप बोलो 10 मिनट तो कम है, हमें और चाहिए। प्रोफेसर बोले कितना चाहिए, बोले 2 घंटे और, बोलेंगे 3 और ही 5 घंटे ले। सो पेपर कैन बी ओपन बुक, ओपन बुक मतलब बुक आप साथ ले, ओपन टाइम ऑल्सो समटाइम्स, ओपन टाइम मतलब आए 10 बजे, जब आपका दिल किया तब दे, शाम को रात को 10 बजे, अगले दिन भी दे सकते, वहीं बैठा लेकिन ओपन टाइम। दे आर सो श्योर दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट दैट समटाइम्स दे मेक इट ओपन इंटरनेट। आप लैपटॉप ही ले, उसमें आपने क्वेश्चन ही टाइप किया तब भी नहीं होता, गूगल को भी नहीं पता होता है आंसर सॉल्व करके, कैलकुलेट करके, इफ आई कैन सॉल्व इट गूगल कैन नॉट। आपको अंदर दिख जाएगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपसे। मतलब मैं ये कहने वाला हूँ कि या अब से लेकर आप जब तक आईआईटी में पास आउट हो गए, अगर जाओगे तो पास आउट हो गए, तो ये 6 साल आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा स्पीड 6 साल होंगे, ऐसे राइज करूंगा राइज मेंटली। अभी 2 साल बाद आपको लगेगा कि हम क्या था, हमें कुछ भी नहीं आता था जब हम आए थे, अब हमें कुछ तो पता है। राइट नाउ व्हाट यू हैव लर्नड इन फंक्शंस इज एटलीस्ट वॉट एवर इज रिटन इन योर एनसीईआरटी पूरे साल में जो आपने पढ़ा होगा, मेरे को तो ये लगता है। 3-4 ऑपरेशन अगर आपने सीख लिए एक दिन में और इतने इसी पेज से सीखते जाओ, तो 2 साल बाद आपको कितना पता होगा इसका आपको आइडिया नहीं। आपको लगेगा 10th में 10th में तो हमें कुछ नहीं पता था, उसके बाद अगर आप जेई से पास आउट हो जाएगा, आपको लगेगा प्लस टू में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। मतलब ये 6 साल पूरे स्टीप होंगे, उसके बाद लाइफ फिर से ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। अभी जैसे ऐसे अभी ऐसे 9th में भी उतना ही पता था, 10th में भी मोर लेस उतना ही पता है। ये है कि पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा शोर में जाते हैं 10th में, 9th में थोड़ा कम में जाते हैं, बुक तो उतनी, टीचर भी वही, स्कूल भी वही है, उतनी वही जाना है, वही बस है, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइफ चले कॉन्स्टेंटली, अब ऐसे स्टार्ट हो गया ऐसे। अगर 6 साल में अगर आप एंटर, अब 2 साल तो ऐसे ही चलेगी, 6 साल में एंटर होते तो और ज़्यादा ऐसे थे, अगर आप रैंडम कॉलेज में सेलेक्ट होते फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगी, वहाँ कोई नहीं पढ़ाता है, वहाँ 90% जनता रैंडम में बोला खिड़की से बाहर बस। वो भी कुछ लोग बोलने आते हैं जिनकी अटेंडेंस, मतलब जिस कोर्स में अटेंडेंस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि टीचर स्ट्रिक्ट होता है, बाकी पढ़ाता ना कोई पढ़ाने में इंटरेस्टेड ना किसी को आता है, उसके बाद ना पढ़ने में लोग इंटरेस्टिंग है। अगर आप आईआईटी में जाओगे तो फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो बहुत लर्निंग होगी अंदर, टीचर्स से ज्यादा फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स योर पीपल, द पीपल इन द क्लासरूम विल नॉट बी डम। अभी 10th में जैसे ऐसे होता था, आधी क्लास तो इंटेलिजेंट आधी बेवकूफ, तो आप टॉप करते आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिन लोगों में आप टॉप कर रहे हो उनको तो कुछ आता ही नहीं है। आईआईटी में टॉप करना टफ है, वहां सब लोग जेई क्लियर करके आए हुए हैं और सबको आता है कुछ, और वहां ऐसे ऐसे फंडे मिलेंगे आपको। एनीवे, इज दिस फाइन? इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, पहले मैंने बोला था आसान वाला कर लो, मुश्किल वाला बता देता हूं, ध्यान से सुनते रहना, बीच में कुछ सोचना मत एक तो, और पैनिक मत होना, नहीं भी समझ आता तो कोई बात नहीं। मान लो एक फंक्शन, यहां नहीं करूंगा, मान लो एक फंक्शन आपको दिया था, एफ एक्स इज वही ले लो x2+3 दिया था, मान लो x2+3 या 2x+3, इज दिस फाइन? और आपको पूछ लिया कि f ऑफ c
थ्री फाइव फाइव बताओ या टू बताओ टू चलो ये बताओ इसका पहला तरीका तो क्या है कि आपने एफ ऑफ टू पुट किया कहां मतलब टू पुट किया कहां इसमें तो आया क्या आपने बोला एफ ऑफ टू वी नो इज व्हाट सेवन देन यू सेड एफ ऑफ सेवन हमने कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आया सेवनटीन ये फाइनल आंसर है एक और चीज आप कर सकते हो क्या मैंने बोला कि आपको चाहिए क्या एफ ऑफ एक्स अगर पता चल जाए आपको एफ ऑफ एक्स एक्स की टर्म्स में पता चल जाए तो आप सीधा एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे अब देखो यहां ध्यान से लेट जी एक्स नया फंक्शन मैंने डिफाइन किया लेट जी ऑफ एक्स बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है मैंने बोला एक और फंक्शन है मतलब जैसे आप एरिया बोलते हो एरिया पाई आर स्क्वायर मैंने नया फंक्शन डिफाइन किया ए क्यूब उसको बोलते हैं जेड लेट जेड इज ए क्यूब एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर इज दिस फाइन तो जेड नया फंक्शन है जिसमें क्या बोल रहा हूं जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मतलब ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है लेकिन एफ ऑफ एक्स इसलिए नहीं बोल रहा फिर मिक्स हो जाएंगे दोनों ठीक है ऐसे कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स कुछ भी वैल्यू आप वेरिएबल ले सकते हो अब देखो ये क्या था एफ ऑफ एक्स ठीक है अब अगर आपको पूछा है एफ ऑफ टू तो आपको बेसिकली क्या पूछा है जी ऑफ टू ये ठीक है ना ये नहीं भी समझ आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कोर्स में मतलब फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी कितने पार्ट कितने लेकिन ये समझना जरूरी है जरूरी है मतलब फॉर फॉर द फीलिंग ऑफ द सब्जेक्ट बट अदरवाइज एज फार एज मैथमेटिक्स और फिजिक्स इज कंसर्न्ड इज नॉट रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में रिक्वायर्ड देखो अभी इधर आपने बोला कि ये क्या था एफ ऑफ एक्स और ये इनपुट किसका था इस फंक्शन का इतना ठीक है दिस एफ ऑफ एक्स वॉज एन इनपुट टू द आउटर एफ आपने बोला तो ये क्या हो गया एफ ऑफ ये वैल्यू पुट कर दिया आपने पूरी की पूरी उठा दी आपने बोला एफ एक्स तो ये है तो हमें पता क्या है मतलब एफ ऑफ एक्स तो ये है तो ये हो गया क्या टू एक्स प्लस थ्री ठीक है ठीक है तो फिर आपने टू एक्स प्लस थ्री कहां पुट कर दिया एक्स की जगह तो ये हो गया क्या टू इन टू टू एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री तो ये हो गया क्या फोर एक्स प्लस नाइन ठीक है ना ठीक है ना अब जी ऑफ टू कैलकुलेट करोगे क्या आएगा ये जी एक्स है कितने लोगों को समझ नहीं आया ऐसा नहीं हो सकता है हाँ बड़ी अच्छी बात है इससे पहले सब समझ आया था अगर इससे पहले कुछ समझ नहीं आया था तो बता दो ये दो क्लास बाद मत बोलना कि पहली क्लास में आधे घंटे बाद ये समझ नहीं आया तब प्रॉब्लम हो जाएगी अगर अभी अभी बता दोगे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं तो मुझे याद देना पड़ेगा कि पहली क्लास में आधे घंटे बाद कहां था अभी देख आपको पूछा था एफ ऑफ एफ ऑफ टू बताओ इसका एक आसान तरीका तो आपको पता है क्या कि एफ ऑफ टू फाइंड कर लो एफ ऑफ टू फाइंड करने के लिए आपने टू पुट कर दिया यहां सीधा तो आ गया क्या सेवन सेवन आया तो ये अंदर वाली वैल्यू सेवन हो गई ये आपने पुट कर दिया अब आप बचा गया एफ ऑफ सेवन ठीक है फिर वो सेवन आपने फिर से पुट कर दिया यहां तो वैल्यू होगी क्या सेवन ये तरीका खत्म हो गया ये आपको समझ आ गया कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एफ ऑफ समथिंग फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स को आप एक नया फंक्शन बोल दो जी ऑफ एक्स ठीक है तो ये मैंने नया फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स क्यों ऐसे डिफाइन किया क्योंकि मुझे पता है मुझे फाइंड क्या करना फाइनली एफ ऑफ एफ ऑफ टू ठीक है अगर मैं जी एक्स को ये बोल दूंगा अब मुझे एफ ऑफ टू फाइंड करना होगा तो मतलब बेसिकली मुझे जी ऑफ टू फाइंड करना है ये भी ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक तो मैंने बोला ये एफ ऑफ एक्स है इसका इस एफ का इनपुट क्या है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आपको पता है क्या है टू एक्स प्लस फाइव टू एक्स प्लस थ्री तो आपने यहां पुट कर दिया टू एक्स प्लस थ्री अब बचा क्या एफ ऑफ टू एक्स प्लस थ्री तो मतलब इनपुट क्या है टू एक्स प्लस थ्री ये कहां पुट करोगे एक्स की जगह
x की जगह पे पुट कर दिया तो आया क्या 2 ऑफ 2x 3 मतलब 2 * 2x 3 इसको आपने ओपन कर दिया क्या बन गया 4x 9 और ये सारा क्या बन गया dx। अब अगर आपको फाइंड करना होगा f ऑफ f 2 तो आप क्या करोगे यहां रूट कर दोगे सीधा। ये एक नया फंक्शन आपने डिराइव कर लिया पुराने फंक्शन से जो कैसे रिलेटेड है ऐसे ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और अच्छी बात देखो मान लो आपने बोला एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। देखो सिंपल बात है सिंपल बात है ये तो हो गया ना इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो मान लो सिंपल बात ये है कि मान लो आपने बोला f ऑफ x या y था x स्क्वायर ठीक है और z मैंने बोल दिया क्या है y स्क्वायर तो ये क्या हो गया x पावर 4। इतना समझ आता है आपको ये जो लिखा है यहां यही यहां लिखा है बस प्रॉब्लम ये है कि नोटेशन चेंज की है। फॉर एग्जाम्पल ये y स्क्वायर था इसको मैं बोल दूं f of x is y स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है ना। अब मैं बोलूं f of x या f of 2 बताओ तो f of 2 क्या है x स्क्वायर मतलब 4 ये है क्या 4 तो f of 4 क्या है 16। ये तरीका आपको आता है सॉल्व करने का। अब इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं कैसे मैंने बोला कि एक नया फंक्शन डिफाइन करो z z इज y स्क्वायर सो दैट मींस दिस इज x इज पर 4 ठीक है। अब z को मैं बोल रहा हूं gx g ऑफ x ठीक है एक्चुअली मैं यहां पे ये बोल रहा हूं ये y था इसको मैंने f ऑफ x बोल दिया मैं बोल रहा हूं लेट g ऑफ x बी f ऑफ x ठीक है तो ये बोला आपने दिस इज f ऑफ x क्या x स्क्वायर f ऑफ x स्क्वायर क्या है x स्क्वायर 4 बेसिकली ये z आपने कैलकुलेट कर लिया सीधा इसमें आप x की सीधा वैल्यू डालोगे सीधा आंसर आएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैसे आंसर आएगा आपको बोला f ऑफ 2 बताओ तो बेसिकली आपको बोला क्या g ऑफ 2 बताओ। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कोई इशू नहीं है इसमें और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कोई इशू नहीं है इसमें। अब कितने लोगों को समझ नहीं आया आ गया अभी भी नहीं आया होगा और देखो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज अ सब्जेक्टिव टर्म। सब्जेक्टिव टर्म मतलब एक अगर इक्वेशन लिखी है y इक्वल टू x स्क्वायर इसमें इंडिपेंडेंट क्या है x डिपेंडेंट क्या है y ठीक है y डिपेंड्स ऑन x दिस डज नॉट मीन दैट y इज इंडिपेंडेंट मतलब y इज डिपेंडेंट इट माइट बी इंडिपेंडेंट फॉर सम अदर फंक्शन मतलब आपने एक और फंक्शन डिफाइन किया z इक्वल टू y स्क्वायर अब इसमें y होगा डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट z होगा डिपेंडेंट मतलब एक फंक्शन था y इक्वल टू x स्क्वायर दूसरा फंक्शन था z इक्वल टू y स्क्वायर तो y डिपेंड्स अपॉन x हाउ y इज x स्क्वायर z डिपेंड्स अपॉन y हाउ z इज y स्क्वायर तो एक्चुअली z डिपेंड्स अपॉन x हाउ z इज x टू पावर 4 ये ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैंने बोला एक फंक्शन था fx इज इक्वल टू x स्क्वायर एक फंक्शन था gx इक्वल टू f ऑफ x का होल स्क्वायर तो बेसिकली gx क्या हो गया x पावर 4 ठीक है ना। अब f ऑफ x का होल स्क्वायर लिखने का क्या मतलब है f ऑफ x भी तो लिख सकते हो नहीं f ऑफ x लिखोगे तो इनपुट क्या हो जाएगा fx और रिजल्ट डालोगे तो क्या हो जाएगा fx का होल स्क्वायर ठीक है। ये सारी इतनी सारी टर्मिनोलॉजी जो है ये आप छोड़ सकते हो टाइम हो गया देखो आपके टाइम का कितना ख्याल है।
ये सारी टर्मिनोलॉजी है, इसको जो भूल जाओ आप, इतना इतना अगर समझ सकते हो तो मेरे लिए काफी है। अगर आप ये समझ सकते हो कि y इक्वल टू x स्क्वायर है और z इक्वल टू y स्क्वायर है, सो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू x पावर 4, इतना समझ सकते हो। y x पे ऐसे डिपेंड करता है, x, हाँ, y x पे ऐसे डिपेंड करता है, z y पे ऐसे डिपेंड करता है। तो बेसिकली z x पे कैसे डिपेंड करता है ये आपको पता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर एक चीज का स्क्वायर आपने कर दिया तो दूसरी चीज डिपेंडेंट होगी उस पे, y इक्वल टू x स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर कर दिया तो तीसरी चीज पहली पे भी डिपेंडेंट है। इफ y इज डिपेंडेंट ऑन x, z इज डिपेंडेंट ऑन y, देन z इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन x विद सम रिलेशन एंड फंक्शन, इज दिस फाइन। मतलब अगर एक फंक्शन ऐसा है जिसमें x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, दूसरा फंक्शन ऐसा है जिसमें y इंडिपेंडेंट है, z डिपेंडेंट है, तो एक तीसरा फंक्शन आप बता सकते हो जिसमें z डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट होगा, ये ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं ये है क्या इंडिपेंडेंट और ये है क्या डिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। तीसरा फंक्शन आप डिपेंड कर सकते हो क्या, जिसमें होगा ये होगा डिपेंडेंट और ये होगा इंडिपेंडेंट, इतना कर सकते हो। इसको कैसे करना है वो छोड़ो, अगर आपको ये समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सो नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर भी लेंगे दोबारा। एक पजल लिखो, लिखते जाओ, इसका आंसर मुझे पता होगा कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। ए एंड बी आर टू पीपल, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, हु सेल ऑरेंजेस, हु सेल ऑरेंजेस, ए सेल्स फॉर, ए सेल्स थ्री ऑरेंजेस फॉर रुपीज वन, A sells three oranges for rupees one. A sells three oranges for rupees one. B sells two oranges for rupees one. B sells two oranges for rupees one. Both carry 30 oranges each every day. Both carry 30 oranges each every day. Both carry 30 oranges each every day, and then and so generate how much money? कितना money they generate? 10 and 15 का total कितना हुआ? 25. इसमें तो कोई problem नहीं। A also has 30 oranges, B also has 30 oranges. A sells 3 for rupees 1, so A generates 10 rupees. B sells 2 for rupees 1, so B generates 15 rupees. So together they generate 25 rupees. So generate 2 is 25. One day, A falls sick. He gives his 30 oranges to B. Is 30 oranges to B. So B now has how many oranges? 60. And B sells five oranges for rupees 2. ऐसे ही होना चाहिए था या नहीं? A used to sell 3 oranges for rupees 1. B used to sell 2 oranges for rupees 1. अब अगर A ने अपने orange B को दे दी, so B started selling 5 oranges for rupees 2. Is this fine? So he generates 24 rupees. 60 oranges को अगर आप 5 for rupees 2 sell करोगे तो कितना generate होगा? 60 oranges and you are selling 5 oranges for rupees 2. So how much money do you generate? 60 into 2 by 5. This is 24. So hence they generate rupees 24.
वेर इज रूबी रूबी वन? एक रुपये कहाँ गया? पहले तो 25 जनरेटर थे, 24 जनरेटर है, प्रॉब्लम क्या होगी? अभी पता तो अभी बता दो इधर था सोर्स क्या? फाइन,